चलिए बढ़ते हैं डीटीए भागलपुर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो साहब कहते हैं, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, मतलब कर्म पथ पर है पथिक तू बढ़ता चल, कर्मठ होकर कर्म करता चल। सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, अनुभव तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी सीखना तो जीवन पर्यंत चलता है और आप भी सीखते चलेंगे। आइए सीखते हैं डीटीए भागलपुर। देखिएगा दोस्त, 60 तक के प्रश्न को देखा था हमने, 61वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में, अच्छा क्रिएटिव क्लासरूम कैसा होगा, जहां विद्यार्थी और अध्यापक बातचीत करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, मौलिक चिंतन करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने वाली गतिविधि करेंगे, जहां शिक्षण व्यवस्था लचीली होगी। लचीला का मतलब फ्लेक्सिबल, कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का रूप रंग व्यवहार बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, उसके हिसाब से शिक्षण विधि लागू करना। टीएलएम मटेरियल जैसे ग्लोब देख रहे हैं, मानचित्र वगैरह देख रहे हैं, बोर्ड वगैरह देख रहे हैं, तरह तरह की शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए, यही तो है लचीला। तो तभी तो हम कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। कैसी बाल केंद्रित? बोले तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, शिक्षार्थी केंद्रित, जिसे लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे बता दीजिए फटाक से। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, शिक्षा द्वारा पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट मतलब समझ रहे हैं? बच्चे ने होमवर्क पूरा कर लिया? जी सर, हम पूरा कर ले लिए। वाह बेटा वाह वाह। तो पुनर यानी फिर से एक प्रकार का बल मिलना, जैसे पुरस्कार दिया जाता है, बल मिलता है, अभी प्रेरित किया जाता है, रीइंफोर्स। शिक्षार्थी बोले तो विद्यार्थी द्वारा स्वयं सृजित यानी स्वयं से ज्ञान का सृजन किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका, पासवर्ड है आपका ये, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, बच्चे स्वयं ही ज्ञान का सृजन करते हैं, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? सी नंबर। दोनों के अनुसार, चूंकि दोनों ही रचनावादी यानी दोनों ही क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बोले तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अर्थात सृजनात्मकतावादी, संरचनात्मकतावादी, ज्ञान का सृजन करते हैं बच्चे खुद ही एक्टिविटी गतिविधियों के माध्यम से, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है। ये देखिए, अशिक्षार्थी निष्क्रिय रूप में, क्या मैं पढ़ा रहा हूं आप निष्क्रिय हो गए या फिर पीछे देख रहे हैं? तो निष्क्रिय होने से कभी कोई ज्ञान सीखा जा ही नहीं सकता, इसीलिए निष्क्रिय इनएक्टिव कभी मत लीजिए, जहां सक्रिय देखिए आपका हमेशा उत्तर होगा। बढ़े आगे, अगला प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न ऑनलाइन में पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता, क्या बताया इसके फोल्डिंग इसी का तो नाम है, आधारभूत सहायता, ढांचा निर्माण, पार निर्माण, है ना? तो संकेत एवं इशारे। बोले तो वाइगोत्स्की कहते हैं, जब बच्चों को मदद जरूरत हो, बच्चा हिसाब बना रहा है, दो बार तीन बार गलती हो रहा है, तो शिक्षक थोड़ी सहायता मदद करवा देते हैं, संकेत दे देते हैं, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, स्वयं न कर सके उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का हनन। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार, आप पुरस्कार और दंड हटा करके बात करना। पुरस्कार सर हटा करके क्यों? साहब एक समय ऐसा आएगा, 2 क्लास में बच्चे ने 99% नंबर लाया, पापा छाकिल दीजिएगा ना। हाँ बेटा। अगली तीसरी क्लास में गया, पापा पापा इस बार क्या दीजिएगा? बेटा तुमको हम मोतल छाकिल दिला देंगे। 7 क्लास में जब बच्चा गया, इस बार बच्चे को कार दिलाइए, नहीं तो बच्चे आमतौर पे समाज में सुसाइड करते नजर आते हैं, पापा को ब्लैकमेल करते नजर आते हैं, इसलिए पुरस्कार सीमित मात्रा में होने चाहिए, सक्रिय रूप में स्वतंत्र वातावरण में सिखवाया जाना चाहिए, न कि पुरस्कार के लोभ या
लालच में, पुरस्कार के प्रलोभन में नहीं, तब तो वह स्वतंत्र अधिगम नहीं हुआ। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास करेगा तो रटंत विद्या भी आ जाएगी। उसे आधा समस्या समाधान आ गया, आधा समस्या समाधान, और बच्चा खुद से जो है कर लेगा। हो गया थोड़ी बहुत सहायता, आधा अधूरा समस्या का समाधान किया हुआ, अब आप उसे पूरा करो। जैसे प्रगति, आपने वर्कशीट देखा होगा, बच्चे को इस पे क्या करना था, हाथ, आधा अधूरा समस्या और इसका आधा कर दिया गया समाधान। यही तो है स्केफोल्डिंग, आधारभूत यानी बेस, ढांचा निर्माण, पार निर्माण, स्केफोल्डिंग। और आपका उत्तर मिलता है डी नंबर। आगे बढ़े, दिक्कत हो रोक दीजिएगा मुझे। देखिएगा बस अनुसार कहते हैं क्या हो जाएगा हमारा, प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से, प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, किसकी भूमिका प्रभावित, अनुकरण, पुनर्बलन, रीइन्फोर्समेंट, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भौतिक विश्व यानी कि बाह्य जिंदगी के साथ अनुभव। क्या क्या रहा है प्रश्न, पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार, पियाजे ने अनुकरण कहा क्या, पुनर्बलन कहा क्या, पियाजे ने कहा कि विचार पहले आते हैं तब भाषा, क्या आता है पहले विचार तब भाषा। तो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले, आप जानते हैं जैविक मुमूर्षा के बारे में बताया और बोला कि बच्चे भौतिक विश्व के साथ जुड़ते हैं, भौतिक संसार के साथ जुड़ करके परिपक्व होते हैं, संज्ञानात्मकता विकसित होती है, बौद्धिकता, और चार चरणों में अपने बौद्धिक चरण को परिपुष्ट किया। अब बताइए उत्तर डी नंबर क्यों हो जाएगा, डी नंबर हमने नोट्स में भी पढ़ा, बच्चे भौतिक विश्व के साथ, भौतिक संसार के साथ जुड़ते हैं और अंतःक्रिया करके सीखते हैं। आपने जैविक मुमूर्षा देखा भी, आइए दिखाते हैं, ये देख लीजिए आप जो नोट्स आपके पास मौजूद है। प्याजी के अनुसार बच्चा अपने भौतिक संसार से जुड़ते हुए सक्रिय है, खोजी, कभी नाव बनाएगा, कभी थर्माकोल काट के तरह तरह का डिजाइन बनाएगा, कभी लकड़ी ले लेगा, आप मोटरसाइकिल साइकिल लेके जला रहे हैं रास्ते में से घुसा देगा, कभी सॉकेट प्लग में उंगली डाल देगा, मतलब ज्ञान का सृजन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो खोजी, खोजकर्ता, निर्माता यानी रचनावादी या नन्हे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं जो अपने ज्ञान की रचना किससे जुड़कर, हेलो डियर पढ़िएगा, भौतिक संसार से जुड़कर यानी वातावरण के साथ अनुकूलन करके अपने सिद्धांत की रचना। आ गया डी नंबर उत्तर हो गया, बढ़ते आगे, कहीं और नहीं आपके पास नोट्स मौजूद है, आपका डी नंबर उत्तर हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव करते हैं, जुड़ते हैं, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक बोले तो आप जानते हैं, आपको 4 स्टेप बताया हमने कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की, पूरी की मूर्ति आपकी, मूर्ति आपकी, बोलिएगा संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त चिंतन की अवस्था, क्या 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 या ठीक है। चलिए पूर्व संक्रियात्मक में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता यानी कौन सी विशेषता, वही जो पढ़ाए थे, बताए थे कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, दूसरों का दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक, निष्कर्ष, अमूर्त चिंतन, ये तो 4th में जाता है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता,
आपका डी नंबर लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता बताइएगा क्यों भला बताइए हमने बताया था मूल क्रिया पर आधारित लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बोलिएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मूल क्रिया पर आधारित संवेदी गामक अवस्था और छुच्चा छुच्ची लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं समझे बोले थे याद कर बोले थे याद कर आप जहां नहीं समझेंगे मुझे पता क्यों नहीं समझेंगे यह भी पता है आइए देखिए तो पूर्व संक्रियात्मक था ना आपका 2 से 7 वर्ष आइए इसमें लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार हमने लिखा लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार लिखा वही तो लिखा हुआ है गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड इंग्लिश में लिखा और यहां पर आपको नहीं समझे तो अंग्रेजी में फटाक से घपाक से देख लेना है क्या है एबिलिटी गोल डायरेक्टेड और हमने सेम टू सेम ये वाला लाइन लिखा हुआ आपके पास नोट से आपने याद नहीं किया कोई बात नहीं है मैं 3-4 राउंड में पढ़ाऊंगा इस 4-5-6-7 महीने के दौरान 3-4 राउंड में पढ़ाऊंगा आप इतना पढ़ के थक जाएंगे याद करवाना हमारी गारंटी होगी आपके उत्तर डी नंबर ले लें अब सुनिएगा एक नंबर क्यों नहीं होगा दूसरे का दृष्टिकोण को कब समझेंगे जब अमूर्त चिंतन विकसित होगा कहता है अभिकल्पनात्मक साहब अभिकल्पना हाइपोथेटिकल डिडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग किसमें बताया था डिडक्टिव चौथी अवस्था में जाता है अमूर्त चिंतन चौथी अवस्था में यही जाएगा ना दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक बोले तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ओके फोर नंबर बढ़िएगा गलती हुआ तो वाला और ऑनलाइन प्रश्न में लगभग 16-17 जगह पूछ लिया देखिएगा निम्नलिखित में किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग ट्रू आप जोड़ा देख लीजिए कौन सा सही जोड़ा है आइए देख लेते हैं पढ़िएगा हो कुछ ही बोलता है नियम और आदेश अभिविन्यास कहता है मानवाधिकार के मूल्य साहब कहां से आ गया यह सिद्धांत कोहलबर्ग कहां से आया या हो सकता है पियाजे से आ गया होगा लेकिन अभी तो फिलहाल मानवतावादी अधिकार आ गया है तो कोहलबर्ग से देखते हो स्वयं चुने जाते हैं कहता है नियम और आदेश का मतलब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कोहलबर्ग की 3 अवस्था पूर्व परंपरागत क्या 4 से 10 परंपरागत 10 से 13 वर्ष पश्चिम या उत्तर परंपरागत पश्चिम या उत्तर परंपरागत 13 से ऊपर या 16 वर्ष तक तो आप जानते हैं परंपरागत का दूगो बेटा यानी उप अवस्था अच्छा लड़का और अच्छी लड़की और कानून एवं क्रम अभिविन्यास लॉ एंड ऑर्डर तो लॉ एंड ऑर्डर में नियम बदले नहीं जाते यहां कहता है स्वयं ही चुने जाते हैं क्या सिद्धांत नियम वगैरह ये तो तीसरे चरण का स्वयं कब चुनेंगे तीसरे चरण का दूसरा कहने का अभिप्राय है तीसरे चरण का दूसरा क्या कहते हैं सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास और पहला वाला सामाजिक संविदा यानी सोशियल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा वाला यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट नहीं इसमें समाज के लोगों के साथ मुखिया सरपंच पंचायती बैठा के उनके अनुसार से समझौता करके नियम बदले जाते हैं और यहां स्वविवेक कॉन्सेंस के आधार पर सार्वभौमिक में नियम बदले जाते हैं तो यह जोड़ा आपका गलत है सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहां नियम बदलेगा किसके दूसरों के भौतिक संसार के साथ समझौता करके भौतिक संसार में कौन कौन मम्मी पापा मुखिया सरपंच सभी लोग आए ना कहते हैं सामाजिक संविदा अभिन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है ये तो साहब दंड वाली बातें आ गई भौतिक परिणाम खैर देख लेते हैं दंड देना और आज्ञा पालन
दंड देना, आज्ञा पालन पहले चरण का दंड एवं अनुशासन, और दूसरा आपने देखा था सापेक्षतावादी उन्मुखी यानी इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। तो खैर दंड देना, आज्ञा पालन, अभिभावक नियम तय नहीं है, नियम तय नहीं है, जबकि दंड एवं आज्ञा पालन में नियम तय होता है, नहीं तो मम्मी पापा चूड़ेंगे। कजली बेटी जल्दी से होमवर्क पूरा कर लो, अनुशासन में लाते हैं। चोरी करना गंदी बात है? ना ना ना, चोरी नहीं कर, ना मैं उंगली नहीं आ, राजा बेटा दूसरे को हपकते न है लल्ला। दो दिन बोला, तीन दिन बोला, अनुशासन में लाने का प्रयास किया, नहीं समझा, अब लगेगी उसको दंड। ऑबेडियंस एंड पनिशमेंट, दंड एवं अनुशासन मतलब नियम दूसरों के माध्यम से निश्चित होते हैं बाह्य रूप में, और बच्चा सोचता है नियम यही है। अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदला जा सकता है, फिर बदला जा सकता है। जब समाज के हित में बदला जाएगा ये तो तीसरी बातें हो जाएगी ना, पश्च वाली। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में क्या होता है, हम समाज के लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसको, यानी समाज के लोगों की स्वीकृति, अप्रूवल, वाह बेटा वाह, एक्सलेंट, बहुत अच्छा, तुमने एकदम 9 CGPA लाया है, बहुत बढ़िया 90% लाया। तो हम दूसरों की स्वीकृति, अनुमोदन, अप्रूवल पासवर्ड देखेंगे और कह देंगे यही है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। समाज में उदाहरण दिया जाता है ना, पहले भी बताया था, देख रमरक्ति के बेटा 5 बजे जग गया, एकदम से डॉक्टर बन गया, देख तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनते हो, हमने बताया था उदाहरण, कॉपी ले लिया, पापा जी का गाड़ी एकदम नीचे लगा, देखिए एकदम से मोबाइल चला रहा था बच्चा, तुरंत किताब में घुसा ले, पापा आ गए, पापा आ गए, हाँ सेवा शुश्रूषा शब्द जो है, पापा उधर से आते, वाह मेरा राम गोपाल पढ़ रहा है, वाह बेटा वाह। हम दूसरों की स्वीकृति के कारण कार्य करते हैं ताकि वो हमें कहें क्या, या अच्छी। तो दूसरों की स्वीकृति, अप्रूवल, अनुमोदन, यह पासवर्ड जहां मिल जाए आप समझिएगा बिल्कुल सही मैचिंग है आपका 4 नंबर उत्तर, बताइएगा समझ पाए। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक यानी अलग नहीं किया जा सकता है, समाज में ही सीखते हैं ना, अलग कर सकते हैं क्या, आप यहाँ से जाइएगा घर, घर समाज में आ गया, ये कोचिंग कहाँ है जी, समाज में, पर्यावरण, वातावरण, शौचालय, रूम, ट्रेन, घर, टिकट, एरोप्लेन, हवाई अड्डा, सब समाज के घटक हैं। और वाइगोत्स्की ने कहा बच्चा सीखता है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया करके, इनका सिद्धांत ये क्या, सोशियो कल्चरल इंट्रैक्शन। तो पृथक कर सकते हैं क्या सीखने को, नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय है क्या, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से अवबोधन, अवबोधन मतलब बोधन, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, अवबोधन मतलब क्या समझिएगा, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंड करना, बोध करना, अवबोधन और अवधानात्मक, अवधान क्या होता है, रुकावट, अवधान क्या होता है, रुकावट, ये देखिएगा, अवधानात्मक, अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, एकाग्रचितता के संदर्भ में भी लिया जाता है, एकाग्रचितता, उसके सामाजिक सन, उत्तर बताइए तो, मैं भी क्यों परेशान इतना हूँ, आप लोग को भी झूठ मूठ का परेशान कर रहा हूँ ना, पृथक, कोई दिक्कत है क्या, समाज से ही तो सीखते हैं, और जहाँ सामाजिक मिल जाए, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया वगैरह मिल जाए तो किसके अनुसार सही हो जाएगा, दिखते ये मार देंगे, पुनर्बलन से वगैरह वगैरह, आगे बढ़िएगा। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार, देखिए पासवर्ड देख लेते कहीं है, मिल गया पासवर्ड, मिल गया डी नंबर, कौन नहीं समझे बताइएगा मुझे, जी सर बताइए, समझ गए,
झूठो बुढ़वा खुशवास वाला का अपना है। देखिए क्या बोले वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, बच्चा समाज से जुड़ता है, बातचीत करता है, समाज में ही क्रिया विधि करता है, समाज के संवेदकों से, दादा नाना नानी से कहानी सुनता है, लोड़ी सुनता है, भाषा विकास होती है। और वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है तब विचार, 0 से 2 वर्ष तक, फिर दोनों समानांतर चलती हैं। जैसे ही सामाजिक अन्योन्याय क्रिया का मतलब बताया, अंतःक्रिया, समन्वित क्रिया, अंतर संबंधित क्रिया, नहीं समझे तो इंटरेक्शन देख लीजिए। 4 नंबर उत्तर, आगे बढ़िएगा। किसी बच्चे को विशिष्ट उत्तर को हल भर के नैतिक विकास के सोपान, आइए क्या, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर, आप ईमानदार हैं आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। क्या बोले मैडम, बहुत अच्छा, यस वाह, बहुत ही देखो है, आइए ना, वाह बहुत अच्छा, एक्सलेंट, अच्छी लड़की, शाबाश, चोरी नहीं करती है, वाह, मोबाइल गिरा किसी का, सरकार ने पुरस्कृत कर दिया, सरकार की नजरों में हम वाहवाही पा लिए। ऐसे ही तो हम माता पिता के नजर में हमेशा हीरो बनना चाहते हैं, हाँ नहीं समझे, तो अपन वाली या अपन वाला के नजर में अच्छा हब्बी बनना चाहते हैं, अच्छा मेहरारू बनना चाहते हैं। यहाँ अच्छा लड़का, अच्छा लड़की हटा करके अच्छा हब्बी, हब्बी समझते हैं, हाँ बैंड, हसाकर बैंड बजाने वाला, हाँ, और अच्छा मुअर मेहरारू, जरा चंद्रमुखी, कलावती, और कुछ कुछ ज्वालामुखी, 2-4-7 साल से यहाँ शादी करने के बाद, सर बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, कभी हम भी गालिब क्या थे, अरे मैखाने के नवाब थे, वाह 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 वाह, क्या बात है, ऐसा कुछ लिया। चलिए देखिएगा, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता स्वीकृति देंगे, अनुमोदन देंगे, वाहवाही देंगे, गर्व करेंगे, हो गया अच्छा लड़का अच्छा लड़की, अब समझे कि नहीं समझे। जो फिर भी नहीं समझाए रुकिए, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया चैप्टर, खत्म पला, फिर पढ़ाऊंगा 1 महीना में, फिर 1 नंबर चैप्टर से पढ़ाऊंगा, समझिएगा कैसे, आपका रिजल्ट बनवाना है, सिलेबस खाली फगेती में खाली करना, खत्म करना नहीं है हमारा धर्म। प्याजी के अनुसार पूछ रहा है ना, तो तुरंत प्याजी के अनुसार चले जाइए। देखिए तो ईश्वरीय न्याय पर विश्वास कब बोल दिया प्याजी, शिक्षक माता पिता द्वारा परिपूर्ण, शिक्षक माता पिता का सामाजिक घटक है। अब देखिए व्यस्कों के व्यवहार, व्यस्क संव्यस्क सामाजिक में, आपका शिक्षार्थी के द्वारा, शिक्षार्थी का मतलब मुझे बताइएगा मैडम, मैडम शिक्षार्थी मतलब शिक्षक, बहुत अच्छा मैडम, मैं भी यही जानता हूँ, मैडम के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा उत्तर बताया, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी होता है, पुपिल होता है, स्टूडेंट होता है। पता चला पिक्चर खत्म हो गई, पता चला दुर्योधन सीता मैया को लेके भाग ले था, भागा था ना, अच्छा कोई लेके भागे, आपको बड़ा तकलीफ है क्या। शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, क्या कहा प्याजे ने, बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, खोजी होता है, ज्ञान का निर्माण, लर्निंग बाय डूइंग करते हुए, यानी करके सीखना, और पासवर्ड तो आपका मिल गया, क्या है, एक्टिव सक्रिय, उत्तर हो जाएगा। सुनील सर समझ पा रहे हैं सर जिन प्याजे के अनुसार, स्कीमा, स्कीमा क्या है, जैसे मोबाइल में भी स्कीमा है साहब, ये चलाए तो फिर ये आ गया, कार्य करने का ढंग, यानी पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप अभी इधर से जाएंगे तो ऐसे नहीं कि इधर से ऐसे जाइएगा, आप इधर से जाइएगा, सीढ़ी स्टेप बाई स्टेप उतरिएगा, कहने का मतलब पूरी जिंदगी हम कार्य करने का तरीका, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते रहते हैं, यही कार्य करने का तरीका, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जूते का फीता लगाने का एक तरीका होता है, बटन लगाने का एक तरीका होता है, यानी सूचनाओं का भंडार गृह, गृह गृह गृह, हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा, ठीक, और बहुत सारे काम हो जाए तो स्कीम्स, स्कीम्स, स्कीमा,
जैसे एक प्रश्न आया हुआ था, एक बच्ची जो है ना जूते उस हिसाब से पहनती है, कपड़े ड्रेसअप विद्यालय के रूटीन के अनुसार पहनती है, बस्ते वगैरह रूटीन के अनुसार कॉपी किताब डालती है, कई सारे काम हो रहे हैं। स्कीम्स, स्कीमा बगल में था, आप स्कीम्स मानिएगा। वर्तमान योजना है बल्ले, वर्तमान योजना यानी वर्तमान सूचना, वर्तमान जानकारी के अनुरूप बनाने हेतु नवीन, बोलिएगा आपके पास जो वर्तमान नॉलेज है, बोलिए ना मेरे पास जो वर्तमान नॉलेज है वो पूर्व अनुभव है। अभी मैं आपसे नवीन अनुभव ले रही हूं, नवीन ज्ञान, नवीन संप्रत्यय ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? पहले वाली नहीं की वाली दोनों साथ रख भय हो, सत्तू हम भुट्टा खिलाए भय, जे नून रोटी खाए तो हको खिलाए भय हो। तो जब हम पुरन की वाली और नई की वाली ज्ञान सूचना दोनों को एक साथ रखते हैं तो क्या कहला जाता है? एजिमिलेशन किधर है? एजिमिलेशन, ठीक है। और आगे प्रश्न में बोला संशोधन भी, पहली वाली को छोड़ दिया भैया, देवराज सरो की तरह न को बिथरा था। ए हो यूट्यूबर, हमरा नहीं लतियाइएगा, हम अपना बोल रहा हूं, समझे? तो आपने देखा दो चीजें हैं प्रश्न में, वर्तमान जानकारी सूचना ज्ञान योजना और नवीन, नवीन नया नॉलेज जानकारी सूचना, इसके साथ साथ पुरानी योजना यानी पुराना कॉन्सेप्ट में संशोधन, इसका मतलब क्या हो गया? एकोमोडेशन यानी समायोजन। क्या हो गया? समायोजन, इसका मतलब समायोजन, जब हम परिवर्तन कर देते हैं। अरे यार जीन प्याजे आज तक गलते पढ़ ले आए सर जो बताए ना, आहा अब समझ में आया, पहले वाला ज्ञान छोड़ दिए, पहले वाला ज्ञान और नया वाला ज्ञान धारण कर लिए, तो इसी को तो क्या कहते हैं हम? बोलिएगा एकोमोडेशन, बोलिएगा समायोजन। क्या बोलते हैं? और पहले वाली और नई वाली दोनों को रख लेना, बोलिए समा आत्मसातीकरण, सातमीकरण, एजिमिलेशन हिंदी में समावेशन या आत्मसातीकरण या सातमीकरण, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन नहीं समझे सर? कौन गाना गाए पहले वाली नईकी वाली? नहीं बुझे हो? अरे पहले वाली नईके वाली मोबाइल, पहले वाला मोबाइल पुरनका वाला नईका वाला मोबाइल दोनों रख लिए यदि हम, तो वह एजिमिलेशन हो गया, यानी प्री नॉलेज प्री एक्सपीरियंस और न्यू नॉलेज बोथ मिक्स, और पहले वाला छोड़ के नईका वाला खाली ले लिए तो एकोमोडेशन समायोजन, याद रहेगा? बढ़ जाए आगे क्या? लेकिन प्रश्न पूरा पढ़ तो लीजिए पहले। जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण, स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप, क्या यहां से वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु, वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी में संशोधन और जानकारी और जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन, जानकारी आधार पर पुरानी योजना में संशोधन। यहाँ पर आपने देखा वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी को संशोधन, यानी यहाँ पर क्लियर होगा कि मिक्स किया जा रहा है सूचना को जानकारी को, और यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। आत्मसातीकरण दे दिया है, समावेशन को छोड़िए, आप इंग्लिश में भी पढ़े हुए हैं ना, एजिमिलेशन देख लेना है। अच्छा साम्यकरण या साम्य धारण कब होता है? इक्विलिब्रेशन, बोलिएगा एजिमिलेशन और एकोमोडेशन में संतुलन बैठाना, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पूरी जिंदगी मनुष्य सोचता है,
यानी संतुलन बैठाता है। तो इक्विलिब्रिएशन अर्थात साम्य धारण, साम्यीकरण, संतुलीकरण इसी को कहते हैं। तो खैर यह तो हमारा उत्तर होगा नहीं, आपका बी नंबर। बढ़े आगे, वाइगोत्स्की आ गया, कहीं नहीं तो नहीं है प्रश्न में? नहीं 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 नहीं, वरीयता देगा, तुरंत खोजिए, तुरंत खोजिए, सहयोगी प्रश्न मिल गया। कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चा एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे से रबर कटर पेंसिल या मैथ वाले शिक्षक चले गए, मैथ वाले शिक्षक गे बहिन नो बुझलिए सर जी पचवा नंबर के नो बतल कहोगे, बताएं दे तनी। तो हम एक दूसरे से अंतर्क्रिया यानी एक दूसरे सम्व्यस्क से सीखते हैं, वो समाज का ही तो अंग है। तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतर्क्रिया किया ना आपने, सहयोगी प्रोजेक्ट, बच्चे प्रोजेक्ट भी, साइंस एग्जीबिशन, चार पांच बच्चे थर्माकोल काटते हैं और बनाते हैं तरह तरह की आकृतियां, वाटर हार्वेस्टिंग, भूकंप तंत्र, अर्थक्वेक वगैरह बनाते हैं ना। और वैसे भी कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव की अवधारणा किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक। अब पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना से दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक किस पर? वाइगोत्स्की के अनुसार दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए, किसके लिए? आकलन, असेसमेंट, जांच पड़ताल, बच्चे में क्या कमी रह गई मेरे पढ़ाने की बाद भी, आकलन, निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे? तथ्य के आधार पर प्रत्यास्मरण का मतलब रटंत विद्या याद कर लेना, रिकॉलिंग, इधर देखिएगा भाई साहब, रिकॉलिंग कभी याद मत रखिएगा, गलत हो गया। कहते हैं वस्तु परक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, यानी कि एक नमरा ऑब्जेक्टिव, वाइगोत्स्की कब बोला ये बात? मानकीकृत, कभी मत लीजिए, सीटेट आयोग ने कभी उत्तर नहीं लिया मानकीकृत, अमानकीकृत सही होता है, मानकीकृत मतलब एकदम फिक्स टाइप का उत्तर, फिक्स टाइप का स्टैंडर्ड, यानी विश्वसनीय। जब भी मिले अमानकीकृत, समझिएगा अमानकीकृत बाह्य जिंदगी से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोरिलेट करके, कैसे? बाह्य जिंदगी से जुड़ा हुआ, बोलिएगा। अमानकीकृत का मतलब संदर्भगत परिवेश, बाह्य परिवेश, अनुकूलित वातावरण से संलग्न करना। तो मानकीकृत जहां देखिएगा हमेशा काटिएगा, कभी उत्तर नहीं लिया इसी के, नहीं लेगा। बच्चे को सिखाते भी है ना बाह्य जिंदगी से जोड़ के, ऐसे नहीं सिखाना है मानकीकृत। मानकीकृत देखिएगा, रेख छैली, इट्स योर ब्रीथ, पाई आर स्क्वायर का सूत्र हुआ, बच्चे की बन गया, ये मानकीकृत हुआ सूत्रीकरण तरीका। हाँ, अब बच्चे को क्या बताइएगा? रे नन्नू, घर का हुआ चले ले है? हाँ। अच्छा, ये गोल गोल कैसा नु? बाहर जिंदगी में कैसा देखे हो तुम? कोई चीज वस्तु बताओ तो। सर गोल गोल रोटी, सर घर का हुआ सीख पहिया। अच्छा, वही तो नुनू, गोल गोल वस्तुओं को हम सर्किल कहेंगे। ये हमें ने कैसे बताया? अमानकीकृत। कैसे बताया? संदर्भ से जोड़ते हुए। कैसे बताया? प्रसंगानुकूलित वातावरण, बोलिए प्रसंगानुकूलित, कॉन्टेक्स्टुअल, कॉन्टेक्स्ट से, बच्चे की निजी अनुभव, बाह्य परिवेश से जोड़ते हुए। बताइए, चलिए अब बताइए किसको समझना है, अब पूछिए सर। मेरी वाणी खत्म हो गई, नहीं रहेगा तो सर, नहीं रहेगा तो आपको देख लेना है, तो नहीं रहेगा तो तीन को तो सही देना चाहिए ना, नहीं रहेगा तो अपना आईक्यू लगाएंगे। अच्छा, उस वक्त भी आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, वो क्लियर हुआ था? चलिए ठीक है, पूछना है जो भी दिखा। सही है, मैं नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्या बोले? हाँ बोलिए तो, इसमें नहीं रहेगा तीन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अपने मन है, एकमात्र सही है ना, सही तो एकमात्र है, ऑप्शन में तीन को तो दिया रहेगा ना। अच्छा, ऑनलाइन वाले प्रश्नों को मैं करवाऊंगा, आप नहीं वाले भी देख लीजिएगा। ऐसे ही दे दे यदि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक सही हो जाएगा, फिर उसके बाद बच्चे में
भाषा पहले विचार बाद में, ये तीन विकल्प मैंने सही वाला दे दिया और एक गलत वाला दे देगा, तो डी नंबर आप उत्तर बना लीजिएगा। तो ये पूछने वाली बात है क्या? ये तो अपना भी आईक्यू लगाएंगे ना हम। चलिए देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है? कौन सा है पियाजे के अनुसार? चारे को ना अवधारणा दिया था और क्रम जो है बदले नहीं जाएंगे। चलिए देखिएगा, पियाजे का तर्क है, बताइए तो आप लोग उत्तर। सी नंबर में क्या है जी? किसी चरण को छोड़ा, क्योंकि ये चरण स्थिर है, चरण बदल नहीं सकते हैं। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। और सुनिए, एक प्रश्न खूब पूछता है, मैंने कई बार बताया भी, चरणीय सिद्धांत, कितने चरण दिए? चार। स्टेज थ्योरी, प्रत्येक में अलग अलग विशेषताएं, प्रत्येक में अलग अलग विशेषताएं। तो जीवन पर्यंत नहीं चलता अधिगम, जीवन पर्यंत निरंतर अधिगम किसके अनुसार? चरणीय सिद्धांत, जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के चरणीय सिद्धांत में, बोलिएगा, जीन पियाजे के चरणीय सिद्धांत में चरण स्थिर है, सब में अलग अलग विशेषताएं हैं, अतः अधिगम लर्निंग कंटिन्यूअस जीवन पर्यंत नहीं चलता, और समान प्रतिक्रिया होती है। समान प्रतिक्रिया नहीं, और समान, अलग अलग में, जीरो से दो वर्ष में अलग, दो से सात वर्ष में अलग, सात से ग्यारह में अलग, ग्यारह से पंद्रह में अलग, और समान, इक्वल नहीं। ये दो चीजें ऑनलाइन प्रश्न का पसंदीदा खेल है, फंसते हैं लोग, नहीं फंसना। अच्छा देखिएगा, पियाजे का तर्क एक संज्ञानात्मक चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। गलत हुआ, निरंतर होता है, अभी तुरंत ना बताया मैंने, निरंतर नहीं होता है साहब, और समान होता है, और 11 से 15 वर्ष, फिर कहां गए? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के पांच स्पष्ट चरण दिए, नहीं चार। सांस्कृतिक चरणों को क्रम बदला जा सकता है, बदल दीजिएगा, जीरो से दो वर्ष को ला दीजिएगा उधर चौथा अवस्था में। पियाजे के अनुसार संरक्षण, क्या संरक्षण? संरक्षण का मतलब आप समझते हैं, कंजर्वेशन, किस अवस्था में? तीसरी अवस्था में पाया जाता है संरक्षण, यानी मूल बिंदु से चल करके मूल बिंदु पर पुनः आ जाना। कोई आकृति, यहाँ बताइए तो, वन्य जीव वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण से जोड़ करके गलती करवा रहा है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, भौतिक गुणधर्म, बताइए तो उत्तर। डी नंबर, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना, यानी दूसरा महत्वपूर्ण है, अपना दिमाग जाए भाण में, एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक, दूसरा जाए, दूसरे का कॉन्सेप्ट जाए, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण वही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। डी नंबर लग रहा है, कुछ भौतिक गुणधर्म, फिजिकल बनावट, भौतिक का मतलब एक लंबी आकृति का बर्तन का पानी एक चौड़े आकृति के बर्तन के में पलट दिया जाता है, दोनों में बराबर पानी रहेगा, बच्चा क्या कहेगा, किसमें पानी ज्यादा है? उठे हुए बर्तन में, तो असंरक्षण है, क्या है? असंरक्षण मने अनकंजर्वेशन, ठीक है। आइए, बच्चा यदि कहता है सर इसी का पानी ना इसमें बदले हैं, दोनों का भौतिक बनावट अलग अलग है, फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों बर्तन का, भौतिक गुणधर्म अलग अलग है, तो भौतिक गुणधर्म, हेलो, भौतिक बनावट गुण बदल जाने से चीजें तो वही रहेंगी, पानी बढ़ या घट थोड़े जाएगा, एक केजी इसमें था तो इसमें भी एक ही केजी रहेगा, यानी भौतिक बनावट बदल जाने से बाहरी रूप रेखा आकृति बदल जाने से गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, बताइएगा उत्तर।
और डी नंबर भी पढ़ लीजिए एक बार इंग्लिश के साथ, डी नंबर पढ़ लीजिए और साथ में नोट्स भी, साथ में नोट्स भी पढ़ना है। आइए पढ़ा दे, देखिएगा पहले तो आप लोग किस पे फंस रहे हैं, बी और डी में। दूसरों का परिदृश्य कब लीजिएगा, चौथी अवस्था में ना लीजिएगा, जब अमूर्त चिंतन, दूसरों की मनोदशा, दूसरे के भाव को, टॉकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरे के विचार को, कैसे कब दूसरों की राजनीतिक बातों को, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है कब समझते हैं, बड़ी उम्र में ना, चौथी अवस्था में ना। कहां जा रहे हैं, हमने नोट्स में स्पष्ट लिखा दिया कि भौतिक गुणधर्म वही रहता है, यानी फिजिकल यदि स्ट्रक्चर बदल भी जाए, एक लंबा तार है 60 सेंटीमीटर का, एक लंबा तार है 60 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर है दोस्त, देखिएगा सुनिए, ये इसका फिजिकल बनावट है ना, केमिकल आप समझते हैं, रासायनिक, दूध है, दूध दही में बदल गया, पेट के भीतर तरह तरह की पाचन क्रियाएं चल रही हैं, देख पा रहे हैं, वो अमूर्त है, रासायनिक है, बोलिए हमारे ढोलक देख रहे हैं, बोलिए भौतिक है, मूर्त है, तार जो आप नग्न आंखों से देख रहे हैं, इसकी आकृति, इसकी बनावट, भौतिक गुण है इसका, इस तार से एक आयत बना लिया, ये तार 60 सेंटीमीटर का था, कितना था, इससे आयत बनाया, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, पेरीमीटर, कहां लंबाई गुना जोड़ाई जा रहे हैं, 60 सेंटीमीटर ही होगा ना यार, परिमाप चारों ओर का माप, यह तार यहां से चल रही चल रही चल रही चल रही चल रही यहां तक साठे ना हुआ जी, क्या बड़ा या छोटा हो गया क्या 60 से, आकृति बदल जाने पर गुण धर्म वही रहते हैं। अब नोट्स लिखाता हूं मैं, बहुत ऑनलाइन में प्रश्न पूछा, हाँ संरक्षण, संरक्षण, ठीक संरक्षण, सबसे पहले तो संवेदी प्रेरक अवस्था, प्रतिवर्त गुणधर्म, इसकी मेटा याद नहीं रखते, आश्चर्य लगता है, जीववाद देख रहे हैं, अब फिर उसके बाद अंतरदर्शी, अब देखिए तीसरी अवस्था रिवर्सिबिलिटी, स्थूल ठोस मूल, पलटावी उत्क्रमणशीलता, संरक्षण, ठीक, दूसरी अवस्था में वर्णन किया हुआ, केंद्रीकरण, अहमन्यता, आप लोग भी अपना नोट्स देखिए, पीछे मतलब और नीचे जाना है, चलिए वहां नोट्स में मिल गया ना, आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, गोसाइएगा नहीं देवता की तरह, यहाँ पे अच्छा अस्तूल ठोस, क्या बोले, हमने बताया भी था, सेम इस लाइन को लिखा हुआ था, भौतिक बनावट भी, अच्छा ठीक है, ये हुई ना बात, पहले आ जा, क्या दिखा रहे हैं इसमें,
समूहीकर। अरे धर्म को छोड़िए ना, गुण समझिए ना, गुण समझिए। गुण समझ में आया? आपका अंगा फाड़ करके, कमीज फाड़ करके हम छोटे बच्चे का कपड़ा बना दे, कमीज की लंबाई चौड़ाई तो वही रही। ये जो है हम इस तौलिए को ये ऐसे फैला दें या फिर ऐसे लपेट ले, लंबाई चौड़ाई यानी भौतिक गुण बदल गया क्या? लंबाई चौड़ाई बदल गई क्या? लंबाई जितनी थी तो उतनी ही रहेगी ना, यही तो है संरक्षण। मूल बिंदु से चल के मूल बिंदु पर पहुंचने का गुण। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अगला प्रश्न। मतलब किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग रखने की क्षमता संरक्षण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन यदि कर देते हैं ना, तो उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन नहीं होता, यानी गुणधर्म वही रहता। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा जल्दी देखिएगा। लॉरेंस कोहल में नैतिक अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। आलोचना दिया गया है, आलोचना कौन सा सही है? कैरोल गिलिगन ने आलोचना किया हुआ था ना, तो क्या आलोचना है बताइएगा जी। देख लीजिए और बताइए। कोहल में नैतिक प्रत्येक सोपान, यानी सोपान मतलब स्टेज, हेलो समझिएगा फिर नहीं, विशेष उत्तर नहीं दिया है, विशेष उत्तर नहीं दिया प्रत्येक सोपान के लिए, दिया है ना साहब? अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पहुंचने के लिए कौन बने प्याजे के सिद्धांत को दोहराया है, प्याजे के सिद्धांत को दोहराया है कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः इस पर आधारित रखा है, यानी कि यह लिंग पूर्वाग्रह बोले तो कोहलबर्ग पर आधारित। कोहलबर्ग यानी हिंज, कौन थे? पुरुष थे कि जड़ जनानी की मोर मुर्दुआ। स्त्री में नैतिकता नहीं होती क्या? लिंग पूर्वाग्रह किया ना इसने, यही तो क्या है हमारा आलोचना। क्या है? आलोचना। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आलोचना पूछी जा रही है, निंदा शिकायत निगेटिव बातें पूछी जा रही हैं, जो कि कैरोल गिलिगन करती हैं। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्याजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता क्या? कहा नहीं जा सकता, बता दीजिए। कहा जा सकता है ना, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यानी भौतिक संसार पर। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। क्या होता है विकास? गुणात्मक चरणों में होता है, बताया था ना। गुणात्मक में अलग अलग, गुणात्मक में अलग अलग, और मात्रात्मक में सेम, मात्रात्मक में सेम। अब देख लीजिए, आपका डी नंबर भी सही है। गुणात्मक, क्या गुणात्मक का मतलब समझे कि नहीं समझे? हेलो डियर, चार चरण हैं, चार चरण में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, चारों चरण में अलग अलग गुण। क्या गुणात्मक चरणों में होता है? अलग अलग चरणों में अलग अलग गुण नहीं पाया जाता है। बच्चे अपने पर्यावरण भौतिक संसार पर क्रिया करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माता और उपयोग करता है, यानी कि नन्हा ज्ञान निर्माता होता है। कब बताया? निरंतर अभ्यास। यूं भी तो कहा चरण जो होते हैं ना अनिरंतर असमान होते हैं, निरंतर नहीं होता, कहता है नहीं खोजने। बताइए क्या कहा? पूर्व संक्रियात्मक। इतना फकैती मत पढ़ा कीजिए, थोड़ा भी स्पीड लाइए। पूर्व संक्रियात्मक में नहीं है,
तो कौन सा पुरुष क्रियात्मक में नहीं है? प्रतीकात्मक विचार, विश्वसनीय खेल, बिलीफ प्ले रहता है, अहमन्यता रहता, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। अब बताइएगा, ध्यान केंद्रित यानी कि ध्यान, अरे उम्र क्या है 2 से 7 वर्ष, और ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति किसमें पाई, कब पाई जाती है? अच्छा, कौन सी प्रदेश? एक सीमा नहीं है। प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकात्मक विचार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक प्ले, एक सही है। अहम मान्यता यानी ईगो सेंट्रिसिटी 2 से 7 वर्ष में सबसे ज्यादा रहती है। अनुत्क्रमणीयता बोले तो अपलटावी, इरेवर्सिबिलिटी पाई जाती है। ध्यान केंद्रित यानी कि ध्यान फोकस्ड करने की क्षमता, ये तो कहां मूर्त अमूर्त चरण की बातें हैं। डी नंबर हमारा नहीं होगा, नहीं बोला जा रहा है क्वेश्चन में, गौर फरमाइएगा, डी नंबर उत्तर होगा, सुधार लीजिएगा। अभिषेक कर्ण भाई हमको नहीं भेजा आपने व्हाट्सएप पे, कॉपी में लिख लिख करके इसको इसको सुधारा जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, कौन नहीं समझे इसको जी, सूचित कीजिए कृपया। खैर नहीं भी समझे, एक महीने में रिपीट करूंगा, फिर आप देख लीजिएगा। फिलहाल तो आइए, कहता है सकता है, क्या माना जा सकता है, किसके अनुसार? कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, उनका विश्वास है, माने कि इस चारों में कौन सा एगो बेहतरीन होगा, उनका विश्वास। एक बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, उनके सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया जा सकता है। बताइए किसे माना जा सकता है? इंग्लिश के साथ आप देख सकते हैं, क्या बी नंबर, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित है। नैतिक तर्क और कार्यवाही यानी क्रिया के बीच स्पष्ट नहीं दिया है, स्पष्ट क्यों? इन्होंने नैतिक तर्क को उम्र में बांट दिया है और कार्यवाही इसकी आलोचना भी करती है। कैरोल गिलिगन कहती है, यदि आपको पूरे समझाना है, चलिए देखिएगा, 3 चरण का उम्र मैं बता देता हूँ, 4 से 10 वर्ष, 10 से 13, 13 से 16 वर्ष। पूर्व परंपरागत, परंपरागत पश्चिम या उत्तर परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या लेटर कन्वेंशनल, ठीक। इन्होंने उम्र के चरण के आधार पर, स्तर के आधार पर नैतिक तर्क वगैरह को बताया। कार्यवाही मतलब क्रिया, क्रिया कहा गया, इस उम्र में बच्चों में नैतिकता रहती नहीं है, नैतिकता नहीं रहती है, बाहरी रूप से नैतिकता आती है, दंड एवं अनुशासन नहीं, लेकिन कार्यवाही, कोई आकर के, आप बैट बॉल खेल रहे थे, पकड़ के एकदम धोना शुरू कर दिया, आपके हाथ में ईंट पत्थर जो मिलेगा उसको मार के मुआ दीजिएगा, कार्यवाही आप भी कर सकते हैं कि नहीं, क्रिया कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी उम्र में करेगा। तो कहता है स्पष्ट संबंध बताया है, नहीं बताया। यह सिद्धांत विस्तृत परीक्षण, साहब कहानी उठाया कोहलबर्ग हिंज का, हाइनस का, परीक्षण एक्सपेरिमेंट कहां से आया? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक अन्वेषक, एकदम तो जीन प्याजे वाला कॉन्सेप्ट घुसा रहे हैं आप, जीन प्याजे वाला कोहलबर्ग में घुसा रहे हैं। प्याजे ने कहा ना कि बच्चे नन्हे अन्वेषक होते हैं, बच्चे नन्हे दार्शन, नन्हे अन्वेषक होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। उत्तर बताइए, आप तो बचिए गया है, लुतनी कलवतिया ननकी फेकनी सब खत्म, बच गई झिंगुली, झिंगुली उत्तर। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। आपने देखा होगा
मॉरल डायलेमा और मॉरल रीजनिंग इनको प्रकट किया हुआ है। अब देखते हैं संज्ञानात्मक परिपक्वता। परिपक्वता आप देख लीजिए, उनमें उम्र के अनुसार जो क्षमताएं आती है, मैच्योरिटी आती है। और नैतिक परिपक्वता, नैतिक परिपक्वता इस उम्र में बच्चों में जो डेवलप होता है सामान्य रूप से, परिपक्वता मैच्योरिटी, उनके बीच एक सहयोग का समर्थन कहा है। चलिए बताइए, बताना क्या है, उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए। This theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. Cognitive maturity and moral maturity. चलिए अगला देखिएगा। अरे बाबा हट जाए जल्दी से, निकटवर्ती आ गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वाइगोत्स्की का ZPD बताइएगा क्या होता है। ZPD हम जो खुद से कर सकते हैं और दूसरों की मदद से कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है कुछ? नहीं नहीं बोला कि नहीं हो सकता फिलहाल, तो अभी इस पर आ जाइए। घर पर बनाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में हमने इसीलिए दिया हुआ था। देखिए इधर बच्चा सहयोग से सीखता है, सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। क्या कहता है? स्वयं और सहयोग दोनों के मदद से जो सीखेगा। कलम पकड़ना शुरू में खुद से सीख लिए गिजा गिजी, मेरा निजी प्रयास। क्या निजी? और पापा मम्मी ने हाथ पकड़ाया, पकड़ा करके हाथ पकड़ करके सिखवाया, यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। दूसरों का प्रयास, समवयस्की प्रयास या सहयोग, मेरे खुद के प्रयास, हेलो एक्सक्यूज मी, और दूसरों का सहयोगी प्रयास से मैंने क्या सीखा, जो सीखा वही अंतर। ZPD है, क्या सीखा? आज बेहतर ओ आ को खो के साथ शब्द बनाना सीख लिया, यानी ZPD सीख लिया। आइए सहयोग समवयस्की प्रयास मिल गया यहाँ, आइए निजी, यहाँ मिल गया निजी प्रयास स्वयं का, और इसकी मदद से हम जो सीखते हैं उसी को निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। वो सीखने बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, क्या मजा इस चरण को जो आगे बढ़िएगा। इस बात को आपने समझा कि नहीं? ZPD परमानेंट होता है, अस्थाई, और इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण पार निर्माण अस्थाई कहते हैं। वस्तु अस्थायित्वता, क्या छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेना, या फिर दृष्टि पटल से ओझल होने के बाद भी वस्तु का दृष्टि पटल पे बना रहना। अच्छा किस अवस्था में पाया जाएगा? संवेदी ज्ञान, कोई दिक्कत है क्या? एक नंबर जागरूकता एक स्व जागरूकता, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि, डैश में अंतर्निहित है। चलिए बताइए, हमने एक बार चर्चा किया था और अभी चैप्टर पढ़ाएंगे जब 12वां 13वां आपको देंगे ना, तब बताएंगे क्या होता है मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन मतलब संज्ञान, बोलिएगा, संज्ञान का भी बेटा या बाप, संज्ञान का भी महासंज्ञान, क्या बोलेंगे? मेटा कॉग्निशन महासंज्ञान, क्या बोलेंगे? अधिसंज्ञान, क्या बोलेंगे? उच्च संज्ञान, क्या बोलेंगे? मेटा कॉग्निशन। अब बोलिएगा मेटा कॉग्निशन में चिंतन, समस्या समाधान, क्रिया सबको संचालित करता है मेटा कॉग्निशन महासंज्ञान। खूब ऑनलाइन में पूछा,
प्रश्न में है स्व जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, संज्ञानात्मक क्षमता का नियंत्रण यानी कि कॉग्निशन पर भी नियंत्रण, योजना बनाना, प्लानिंग करना, समस्या समाधान करना, एनालिसिस करना, अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, सुधार, मतलब सब कुछ कौन नियंत्रित करेगा, किस में आएगा? महासंज्ञान में। इंग्लिश देखिए, यहाँ खाली संज्ञान दे दिया, पढ़ सकते हैं आप, महासंज्ञान होगा, मेटाकॉग्निशन। हो गया उत्तर? अब नहीं समझे? संज्ञान आप समस्या समाधान करते हो, जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, सब समझिए मेटाकॉग्निशन उसको नियंत्रित करता है, संज्ञान को भी नियंत्रित महासंज्ञान करता है। याद रहेंगी लाइनें? ऑनलाइन में खूब पूछा ये। अच्छा, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जब भी होगा सक्रिय होगा, निष्क्रिय कभी नहीं होगा। अनुबंधित कहाँ जा रहे हैं हम? अनुबंधित ये जो है ना, जैसे कि आपने देखा होगा बी एफ स्कीनर ने चूहे पर प्रयोग किया, चूहा प्रयोग, कबूतर का प्रयोग है ना, कहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और देखेंगे यदि हम ई एल थॉर्नडाइक तो कहा उद्दीपक अनुक्रिया, तो उद्दीपक अनुबंधित क्रिया हम पढ़ रहे हैं वाइगोत्स्की। चौथा नंबर जाइएगा, पियाजिक सिद्धांत प्रमुख प्रस्ताव यानी मेन चीज क्या है? कि सोच व्यस्कों से बेहतर होती है, व्यस्कों से कहता है बेहतर होती है, यार मात्रा समान होती है बोला था, मात्रा समान, व्यस्कों से बेहतर कहां कब बोल दिया? बच्चों की ये बोला कि व्यस्क जितना सोच सकते हैं बच्चे भी सोच सकते हैं, उससे बेहतर नहीं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में व्यस्कों से भिन्न होती है, कहता मात्रात्मक, मात्रा क्या होती है? भिन्न होती है। क्या बताया था हमने? क्वांटिटी जो होता है, चुपचाप रहिएगा बिल्कुल से, मैडम उत्तर हो जाएगा ना, मैडम उत्तर हो जाएगा ना जी आप, ये यानी कि क्या कहता है क्वेश्चन, कि मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव, क्वांटिटेटिव रूप में क्या होती है? भिन्न होती है। अब मुझे बताइएगा इसका मतलब क्या हो गया, बताइए सर। मात्रात्मक भिन्न होती है, कल हमने जब देखा था मात्रात्मक अलग होता है कि गुणात्मक, बताइएगा? गुणात्मक अलग, मात्रात्मक या विकल, या विकल गलत बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में, गुणात्मक रूप में भिन्न यानी क्वालिटी अलग होता है। आप यदि YouTube मोबाइल यदि बंद हो गया, आप सोचेंगे नेट तो नहीं खत्म हो गया, देखते हैं, अब बच्चा पटक देगा या पानी में डाल देगा। यदि मोटरसाइकिल चलना बंद हो गया, बच्चा बोलेगा पापा इसको भूख लग गया, खाना नहीं दिए, बीमार हो गया। लेकिन बड़े सोचते हैं इसमें पेट्रोल खत्म हो गया लगता है, या इलेक्ट्रिक कहीं वायर फंस गया, कोई दिक्कत, यानी गुण चिंतन का क्वालिटी अलग अलग होता है, गुणात्मक गुण। ठीक जी, नोट करके मुझे भेजना है, ऐसा नहीं भेजना, बच्चों की सोच व्यस्क घर पर करना है, कल वाला नहीं भेजे। चलिए देखिए, बच्चों से व्यस्क निम्न होती है, कहता है निम्न स्तर, ना तो निम्न होती है ना तो बेहतर, समान। समझ पाए? बहुत सारे प्रश्न आए हैं, नहीं तो उठाइए ऑनलाइन, समझ में आएंगी बातें। आइए, प्रश्न कितना नंबर होगा दोस्त? 80 नंबर होगा। कोऑपरेट कीजिए, टाइम भी बाद रहा है। क्या बोले राधे राधे, आपको भी श्री राधे। हमको इधर से इतने बड़ा बड़ा दिखता है ना, लौकबे नहीं करता है, तब हम इधर आ जाता हूँ तो कुछ दिखाई देता है, वरना मैं ऐसे ऐसे मारूंगा बस आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे इधर से क्वेश्चन देखना पड़ जाता है।
इधर से मतलब ऐसे एक तो लाइट इफेक्ट चले गए, प्याजेट के सिद्धांत का प्रमुख ये हो गया ना। तीसरा देखिएगा कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक, उतना क्या पढ़ना, पूर्व संक्रियात्मक विशेष से यानी पूर्व संक्रियात्मक क्या मेन फीचर होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, बताया था ना, विलंबित विचारों की अनुत्क्रमणीयता, अनुत्क्रमणीयता वर्तुल प्रतिक्रिया, वर्तुल मतलब क्या होता है, सर्कुलर रिएक्शन, सर्कुलर मतलब कहीं से भी बता देगा जवाब, तो यह चौथी अवस्था की बातें हो सकती हैं। खैर फिलहाल मुझे यह बताइए आप, सी नंबर विचारों की अनुत्क्रमणीयता और दिया गया है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अब बताइए उत्तर। अनुत्क्रमणीयता तो जान रहे हैं ना, उत्क्रमणशीलता बोले तो अनुत्क्रमणशीलता आप जान रहे हैं, उलट पलट नहीं सकना, उलट पलट नहीं सकना, हेलो सुनिएगा, अ को हटा दीजिए, उत्क्रमणीयता बोलिएगा, रिवर्स कर पाना, रिवर्स कर पाना, इस उम्र में बच्चे रिवर्स, सात में चार घटाओ, सात में फिर दिए दूसरा हिसाब, तीन घटाओ, ललटुसवा कैसे गिनेगा, ए दो तीन ताल पांच ते ता, अब चार लकीर काटेगा, ए दो तीन ता, चार लकीर काट दिया, तीन बचा ले लिया, फिर आपने हिसाब दे दिया क्या सात में, फिर लकीर खींचेगा, आप कहते हैं क्या है, अरे सात को तो खींच ले नुनु तीन यही पे काट दे, ना कर पाएगा, नहीं कर पाता है, आपने भी पढ़ाया होगा ट्यूशन वगैरह, इस दो से सात वर्ष की उम्र के बच्चे, खासतौर पर इसको भी दो भाग में बांटा तो दो से चार वर्ष के बच्चे नहीं कर पाते हैं विचारों की अनुत्क्रमणीयता यानी उत्क्रमणशीलता, और कहता है पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे को विशेषित करता है कैरेक्टरिस्टिक अ चाइल्ड द प्रीपरेशनल, अरे कहां है जी यार, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, झूठ मूठ का हम भी, आपका तीसरा नंबर, और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आपने देखा होगा यह संवेदी गामक में भी जाता है, तो मेन चीज क्या है, मेन जो आपको उत्तर के रूप में दिख रहा है, सीटेट आया उन्हें फंसाया, यह भी, लेकिन जो 100% आपको नजर आ रहा है आप उसको उत्तर चुनेंगे, ना कि यह संवेदी गामक में भी जाता है, सेंसरी मोटर में भी। थ्री नंबर आगे बताइए, कहते हैं अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, फलना चिलना किधर, ज्ञान को सक्रिय रूप में, सक्रिय मिल गया ना पासवर्ड, संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल सीखते हैं, प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं, कितना बेहतरीन पासवर्ड है। चार नंबर, इधर तीन में देखिए किसको समझना है, नहीं समझ पा रहे, सब समझ लेवाइगोत्स्की, देखिए लेवाइगोत्स्की क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रांत, अरे भ्रांत हो गया, व्यक्तिगत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच मिला आपको, हमने बताया था निजी वार्ता, निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, नहीं समझे फिर समझिए, पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता, बोलिएगा, उसी को वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिक वार्ता, व्यक्तिक वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, बच्चे क्यों करते हैं, अपने कार्य को दिशा निर्देशित करने के लिए, बोलिए, प्राइवेट स्पीच करते हैं, हमने आपने देखा होगा बच्चे को किचन सेट दे दिया, टॉय वगैरह दे दिया, आपस में ही बड़बड़ाते हुए देखे होंगे, अरे ले ले ये लाजा, तुम लानी बन जाओ, शादी विवाह कर लो, अच्छा इसमें मैं भात बनाऊंगा, अरे चाय पी लो, चाय पी, अपने डॉगी को, कुत्ते को, टॉय को खिलाते पिलाते देखा होगा आपने, अपने कार्य को सेल्फ मॉनिटरिंग, स्व निर्देशित,
स्वनियमित सेल्फ मॉनिटरिंग करने के लिए करते हैं, अपने आप से बातचीत करते हैं, प्राइवेट यानी निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, इसके बारे में कभी पढ़ाया था या पढ़े हैं? बाकी के तो बात ही नहीं बनती है साहब। एक नंबर बॉन्डिंग से मुझे आगे बढ़ू, दिमाग स्थिर रहने दीजिएगा, हाँ बैटरी जल जाएगी। हम सर आपने थक बहुत हो गया, मुझे भी फीलिंग हो रही है, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, तिनका तिनका लड़ते हुए ही सफलता मंजिल मिलेगी। बता दीजिए, हमने देखा दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंज को दवाई, हिंज यानी हाइनस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, दवाई चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो भरपेट कुटाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, यानी कि क्या मिल जाएगा उसको, दंड। अब मुझे बताइए वो कौन अवस्था में, पहली अवस्था का पहला उप अवस्था, बड़े प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है, अनुभव से सही अर्थ निकालने की प्रतिक्रिया बता दीजिए। तो स्कीम्स क्या है, स्कीमा पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज, तो नॉलेज का जो ज्ञान का घर है, भंडार गृह है, तो अनुभव से या संरचना क्या निकालने का व्यवस्थित तरीका, बोले तो कार्य करने का तरीका क्या हो जाएगा हमारा, स्कीमा, स्कीम्स नहीं ना कहीं, स्कीम्स क्या लो होगा एक के वो कम, स्कीम स्कीम स्कीम्स आपका एक नंबर उत्तर हो जाएगा, दिखेगा आगे। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सक, क्या कह रहा है, जिस पर वह अकेले यानी मेरा खुद का प्रयास, जिस देखिएगा द्वार पढ़वाइएगा हुजूर आला, जिस पर वह यानी मैं खुद से क्वेश्चन बना सकती हूँ बना सकता हूँ, और एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा, किसके द्वारा, सुझाव के द्वारा, मतलब दूसरों की मदद, दूसरों की मदद के द्वारा, बोलिए ना, सुझाव का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको अरे बाबा ये देखिए क्वेश्चन ऐसे बनाना है ऐसे कर, मैंने मदद दिया, आधारभूत मदद सहायता, तो बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकता है, यानी मदद बहुत आगे ले जा सकता है, जब वह अकेले काम करती थी उससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है मदद दे करके, बताइए उत्तर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी खोजा हमने अकेले यानी निजी प्रयास, अभी देखे थे ना सर्किल में, यहाँ खोजा सुझाव यानी दूसरों का सहयोग, और उसके मदद से मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, यही क्या है जेड पीडी, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की के आधारभूत मानसिक क्षमता मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञान प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है, तो किसके द्वारा बदला जा सकता है, वाइगोत्स्की दे दिया ना, क्या उतना पढ़ना है क्वेश्चन को, सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया यानी कि अन्योन्याय क्रिया यानी पारस्परिक क्रिया, एक नंबर मूर्त क्रियात्मक, उम्र क्या 7 से 11, तीसरी अवस्था प्रमुख कौशल उसमें से, देख लीजिए संरक्षणवाद पाया जाता है, एक नंबर संरक्षण परिकल्पित निगमनात्मक तो चौथा में पाया जाता है, आगमनात्मक तीसरा में, गलत होगा, सजीववाद जीववाद दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक में पाया जाता है, मूर्त में नहीं,
संरक्षणवाद हो जाएगा हमारा एक नंबर, कंजर्वेशन तीसरी अवस्था में पाया जाएगा और दूसरे में असंरक्षण। मूल बिंदु से चल के मूल बिंदु पर पुनः पहुंच पाने का गुण, यही उम्र के बच्चा आपको छोड़ दीजिएगा पटना भागलपुर पहुंच जाएगा। दामदार खाजा बेचने वाला 11 साल 10 साल 11-12 साल का बच्चा देखा होगा आपने, बिस्लरी ट्रेन पकड़ लेगा जमालपुर, जमालपुर से फिर एन। लेकिन दूसरी व्यवस्था 2 से 7 वर्ष बच्चा आ जाएगा क्या, नला में भुतलाई हो जाता है, पापा चिंप्याजी ले भाई गोद की दोनों, ठीक है। तो कहते हैं संरचनावादी, दोनों क्या है संरचनावादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। अधिगम किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देते हैं, तो दोनों ही सक्रिय साहब अपने पासवर्ड ही है। सक्रिय का मतलब क्या, बच्चा खुद से गतिविधि करे, प्रोजेक्ट बनाए, खुद से गलतियां करे, खुद से हिसाब बनाए, यानी लर्निंग बाय डूइंग करे, करके सीखे। और करके सीखने से क्या होता है, ज्ञान अस्थाई सुदृढ़। कहा जाता था ओए राजू डैस ना करियो, डैस टूट जाता है, लेकिन कहता क्या था, चलिए दूसर का क्या बात करें, मेरे से बड़का खराब कौन है, मैं कहता था मैं तो करके देखूंगा क्या गुजरती है, तो मैं करके देखूंगा, मैं तो करके देखूंगा, तभी तो ज्ञान सुदृढ़ होगा, दूसर के रटाया रटाया बात मैं क्यों सीखूंगा। ओए राजू मैं तो करके, अरे राजू गाना याद आया कुछ, हाउ गाना ना गुनाना है, मैंने सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण। जब भी आप एक्टिव रूप में लर्निंग करते हो ना, एक्टिव प्रक्रिया के द्वारा, तो फिर ज्ञान हमारा मीनिंगफुल हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है। कैसा हो जाता है, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल, यानी कि अर्थ निर्माण होता है। हम ज्ञान को सीखने लगते हैं, कोई साइकिल से गिर गया आपने देखा, दर्द महसूस होगा ज्यादा नहीं, आप खुद जब चला के गिरेंगे अनुभव होगा, ज्ञान का निर्माण होगा, अर्थ वास्तविक समझ में आएगा, जहां सक्रिय मिले। और दोनों तो यही कहते हैं, एक कहता है कि भौतिक क्रिया भौतिक संसार पर परिपक्वता जैसे जैसे आती है, एक कहता है वातावरण अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, और दोनों में सक्रिय लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है बच्चा। निम्नलिखित वर्णन को पढ़े, कोहल वर के नैतिक चरण की अवस्था को पहचानिए, अंतःकरण के स्वचयनित, किसका क्या दे दिया, पासवर्ड बताए थे अंतःकरण सेल्फ कॉन्सेंस, यानी मेरे खुद के विवेक, देखिएगा इधर पासवर्ड स्व चेतना। हम सार्वभौमिक में क्या करते थे, बहुत बढ़िया मैडम बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूँ सल्यूट यू, दिमाग में बैठा हुआ है आपकी, बहुत अच्छा। स्वचेतना सेल्फ कॉन्सेंस के आधार पर नियम में बदलाव, यूनिवर्सल एथिकल यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट। और सामाजिक में कब होगा, जब सामाजिक लोगों के अनुसार करते हैं। आइए, अंतःकरण का मतलब क्या हुआ, दूसर का लोग का क्या, स्व का मतलब क्या हुआ, दूसरा क्या, स्वयं ना, यानी सार्वभौमिक। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर, जो कानून सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। किसके आधार पर, अंत में वही बात निकली, सेल्फ कॉन्सेंस, यानी मेरे खुद के बौद्धिकता के आधार पर, राइट एक्शन डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन, मिल गया सेल्फ एथिकल कॉन्सेंस मिल गया, हमने नोट्स में जो आपको बताया है, कॉन्साइंस कॉन्सेंस स्व विवेक नहीं कहते हैं, अपन को कॉन्सेंस ना है खर्च करने के, क्या टीचर जी देते थे या पापा मम्मी, अपन बुद्धि नहीं तरीका, अपन कॉन्सेंस नहीं लगाता, यानी स्व विवेक स्व चेतना।
और स्वचेतना में आप कहाँ चले जाते हैं? सार्वभौमिक में। इधर है सार्वभौमिक, सी नंबर में। नहीं समझे? बिल्कुल समझना भी नहीं है दोस्त, आप ना समझो तो ना समझ, तेरी फितरत है समझा देना, अपनी फितरत है दोस्त। तीसरी अवस्था का दूसरा चरण, स्वायत्त परायत्त। ये देखिए आपका सार्वभौमिक वाला चरण क्या दिखा था हमने, स्वविवेक स्वसमझ के आधार पर मानवतावादी परिप्रेक्ष्य यानी ह्यूमन राइट्स, दूसरों के लिए नियम बदला जब जाएगा। हाँ देखिए हमने बताया था आपको कि जो तीसरा वाला चरण है उत्तर रूढ़िगत वाला, तीसरा वाला, हेलो, उसमें दो उपअवस्था, पहला सामाजिक, समाज के लोगों के द्वारा दूसरों से परामर्श करके, किससे? नियम बदलते हैं, ठीक। अब यहां देखिएगा आप सार्वभौमिक में क्या, सार्वभौमिक वो गलती है, सार्वभौमिक में क्या करते हैं हम, स्वविवेक, और सामाजिक अनुबंध में क्या किया था हमने, दूसरों से समझौता, दूसरों के विवेक के आधार पर। अंतर है, बस इतने तो पासवर्ड देखना था, अंतःकरण आया, सेम तो चीजें दी गई है। क्वेश्चन ना बने इम्पॉसिबल, अपना पढ़ाने का ढंग ही है क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए। आपका उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक सी नंबर, सी नंबर। बढ़ते हैं बच्चे दुनिया के बारे में सृजन, प्याजे, सी नंबर प्याजे। मनोवैज्ञानिक प्रभाव महत्व रखते हैं सामाजिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की, टी प्रोनंसिएशन, लॉरेंस कोहल प्रस्तावित, एक अवस्था है लॉरेंस कोहल वर्ग का, प्रसूति पढ़ाए थे जी, महाराज झूठो बुढ़वा का फुसफास वाला गप है, बड़की माँ के बिहा भेला हो देवराज सर तोरो ना, ओकरा बाद ना हमारे पापा का बिहा हुआ होगा, हो महाराज बुझते नहीं है, मूर्त संकरी आत्मा दिया है प्याजे ना को हर वर्ग दिया है क्या, एक प्रसुप्ति वगैरह ना पढ़ाऊंगा सिगमंड फ्राय, उद्योग बनाम अधीनता है बल्ली, सामाजिक अनुबंध पढ़े हैं अभी तुरंत, तो सामाजिक अनुबंध, सामाजिक संविदा, सोशियल कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, बताइए कौन नहीं समझे, चलिए बड़ी खुशी की बात, और जल्दी समझ जाते हैं, चलिए देखिएगा संज्ञानंद विकास से संदर्भ कौन से प्याजे की संरचना है, कहता प्याजे प्रबलन स्कीमा, बाकी सब कुछ इंदला छ, ये अवलोकनात्मक अधिगम के दिया अल्बर्ट बंडूरा, आपका बी नंबर उत्तर होगा केवल बी नंबर, देखते ये लगाइए ना झूठ तो पकेटी वाला, कहते बच्चों को संकेत देना, संकेत एवं इशारे, क्या बताया था, पाठ निर्माण, ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग, क्या देखा आपने, संकेत एवं इशारे मतलब मदद, मदद मस्तिष्क पर बनाई रखिएगा कंट्रोल, ये सब नंबर, जो लोग कह रहे हैं वो बोल करके दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं, खबरदार, इंग्लिश में पढ़ाए हैं कौन दिन के लिए, करिएगा गुंडागर्दी, नौके चोप लेंगे आपका हम महाराज, अखरोट आदमी, देखिए इधर इसका फोल्डिंग पढ़ा दिया, हमारी नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलती है, ताकि आपको कुछ नहीं, पाठ मचान हटिए ना, इंग्लिश देखिए ना, वहां कंप्यूटर पे इंग्लिश आएगा और इंग्लिश के साथ यहाँ तैयार करके भेजेंगे, कंप्यूटर की भी व्यवस्था है और वहां तैयार करके भेजेंगे आपको प्रैक्टिस लेकर, आप क्यों परेशान होते हैं, इसलिए निगेटिव बात बोलना बंद आज से,
पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि मन के वो जीते जीत और मन के हारे हार आपने सुना होगा और तभी होती है जय जयकार। आइए देखिए जिन प्याजे। अरे वाह, मूर्त वाला संक्रिया तीसरा अवस्था, दिमाग में इतना तो चलना चाहिए, ये तीसरी अवस्था है। मैडम मैडम जी दसर के मैडम जी प्रणाम। इन्हें देखियो क्या कहा क्वेश्चन में, मूर्त संक्रिया में क्या कहा, मूर्त दिमाग में चलना चाहिए, 7 से 11 वर्ष तीसरी अवस्था, और यही पाया जाता है पलटावी संरक्षण आगमन आगमनात्मक तर्कणा किधर है विचारों, अच्छा विचारों की उत्क्रमणीयता यानी उत्क्रमणशीलता, अनुत नहीं प्रतीकात्मक है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अनुत्क्रमणीयता का दूसरी अवस्था और ये प्रतीकात्मक खेल दूसरी अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक चौथी अवस्था में निगमनात्मक तर्कणा संरक्षण संरक्षण पाया जाता है ना तीसरे में, तीसरी अवस्था में संरक्षणवाद कंजर्वेशन। मिल गया उत्तर, कहता है आस्थगित अनुकरण किस में गया, संवेदी कामक में बच्चा भी है थू बच्चा भी थू उसका कपड़ा खींचेगा बच्चा भी खींचेगा ऐसे करता है, आप उसको ऐसे 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 कीजिएगा वो भी करेगा अनुकरण टिट फॉर टैट देखा देखी अनुकरण हटा दीजिए। तीसरा नंबर उत्तर मिल गया क्या आपको, कौन नहीं समझे, ये जो है निगमनात्मक वाली बातें, ये आपका निगमनात्मक तर्कणा चौथी अवस्था, और यहाँ प्रतीकात्मक खेल चोर सिपाही नुक्का छिपी ये दूसरी अवस्था की बातें हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वाइगोत्स्की के अनुसार और पार निर्माण ढांचा निर्माण फंस गए ना, अच्छा खोजपूर्ण अधिगम भी होता है ठीक है, अब मेन रूप से प्याजे के अनुसार, लेकिन अब क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ लेते क्या देखते। एक व्यस्क बच्चे के निष्पादन वर्तमान स्तर यानी मैं जो खुद से कर सकता हूँ, इसका मतलब निजी प्रयास, इसका मतलब निजी प्रयास, वर्तमान का मतलब क्या वर्तना नहीं समझिएगा, आप वर्तमान में जो कर सकते हैं मतलब खुद से कर सकते हैं, नहीं सर खुद से जो कर सकते हैं। और कहता है सहयोग द्वारा, किसके द्वारा, मिल गया दूसरे का सहयोग भी, विस्तारित करते तो इसे क्या कहते हैं, निष्पादन के वर्तमान स्तर व्यस्क सहयोग से विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं, अब बताइएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र और पार निर्माण ढांचा निर्माण, अब आप मुझे बताइए, मैंने बताया था यहाँ दो दो चीज है, ये दोनों बताना है मुझे क्या, हेलो यही दोनों मार रहे होंगे ना उत्तर, सुनिएगा इसमें आप देखते हैं आधारभूत मदद, मुख्यतया क्या देखते हैं सहायता, क्या देखते हैं सहायता, इसके फोल्डिंग में ढांचा निर्माण में पार निर्माण में क्या देखते हैं, दूसरों का संकेत एवं इशारे, क्या देखते हैं संकेत एवं इशारे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में वर्तमान स्तर भी दिया गया है और दूसरों का सहयोग, दोनों बातें दी गई हैं निजी और दूसरों का सहयोग, इसके मदद से सीख लिया ZPD, जहां ZPD और पार रहे, पार में देखना है आपको, क्वेश्चन में है नहीं मिलेगा लगभग, आपको क्या मिलेगा आधारभूत सहायता, दूसरों की मदद, अरे इतना चीज लिखे देखियो न देखता, आधारभूत सहायता सहायता संकेत एवं इशारे, एक बच्ची 4-5 बार गलती कर रही है प्रश्न, सर जी गए सीट पे घूमते घूमते, अरे पगली कहीं की इसको भाग देना है, कैसे बनेगा तुम्हारा भाग दो इसको, शिक्षक ने खुद से नहीं बना दिया, क्या दिया संकेत एवं इशारे आधारभूत सहायता, थोड़ा बेसिकल सहायता, तो प्रश्न में आपको इसके फोल्डिंग में मिलेगा सहायता और समीपस्थ विकास क्षेत्र में खुद की सहायता और दूसरों की सहायता दोनों, मुझे
चलिए देखिएगा, एक विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, लंच बॉक्स लाना भूल गई। अब तानिया उसका लंच बॉक्स क्या करती है, साझा शेयर। गे बहिन तू नहीं ना ले है लंच, अच्छा हमर वाला खा ले। ठीक, तुम्हें आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल तुमने मेरे साथ आज तो खा ले, कल तू हमरा खिले ले रही। कलम दीजिए ना, हमको लीड खत्म हो गया है, दीजिए ना लीड, दीजिए जल्दी से। कल के दिन में मेरा खत्म होगा, हम भी आपको दे देंगे। क्या जीवन में बच्चे आदान प्रदान करते हैं, बोलिएगा क्रेयॉन। तुम मेरा क्रेयॉन ले लो, मैं भी तुम्हारी क्रेयॉन लूंगी। तुम मेरा टिफिन खा लो, मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगा। तुम मुझे थपियाओगे, हम भी तुमको लतियाऊंगा। पूजा ने देखा सीमा और गुड़िया, सीमा ने एक छड़ी लगाई गुड़िया, हेलो सीमा ने एक छड़ी लगाई, गुड़िया ने भी एक छड़ी लगा दी। कौन देख रही है, पूजा। उसने प्रधानाध्यापक से शिकायत क्यों नहीं किया, दोनों एक दूसरे को बदला। वो सीमा एक थप्पड़ लगाई तो गुड़िया भी एक थप्पड़। इसी को कहते हैं सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत। क्या, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन थ्योरी। क्या कहते हैं, बोलिए, एक्सचेंज, विनिमय, आदान प्रदान, एक्सचेंज किस चरण में आता है, प्री कन्वेंशनल में। किधर, आदान प्रदान परंपरागत में कहां से आ गया, पूर्व परंपरागत में आता है, कानून एवं व्यवस्था पश्च नहीं। ये समझ रहे हैं कुछ, पश्च मतलब तीसरा अवस्था परंपरागत, अब तीसरा में कानून एवं व्यवस्था, ये तो दूसरा में ना पाया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। कहता है दंड मतलब आज्ञा पालन, अच्छा होना परंपरागत, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ये तो चट्टा जो है ना ऑप्शन है, गलती टाइप का दे दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपने यहाँ देखा प्रश्न, देखा कल तुमने मुझे लंच खिलाया था, आज तुम भूल गए, अच्छा गए बहन आ जा आज तुम खा लो मेरे साथ। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे जब हम टिट फॉर टैट करते हैं, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, चीजों का आदान प्रदान, तो उसे एक्सचेंज करते हैं, यानी कि विचार मतलब विनिमय, विनिमय एक्सचेंज, विनिमय एक्सचेंज। ठीक, अब आप देखिए यहाँ जो आपका ये जो दिया गया आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन का ये बात नहीं है, दंड एवं आज्ञा पालन का ये बात नहीं है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन में थोड़ा सा जो है सुधार करेंगे, एक्सचेंज, और ये क्या, प्री कन्वेंशनल, क्या होगा, प्री कन्वेंशनल, आदान प्रदान यानी कि पूर्व परंपरागत, क्या होगा, आप जानते हैं पहला वाला पूर्व परंपरागत जिसकी उम्र है 4 से 10 वर्ष, 4 से 10, इसके दो चरण, दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन, और दूसरा है सापेक्षतावादी उन्मुखता, सापेक्षतावादी उन्मुखता या विनिमय, आदान प्रदान, बोले तो तुम मुझे ये दो मैं भी तुम्हें वो दूंगा। और हमारा एक नंबर उत्तर यहाँ क्या कर लीजिएगा, प्री, यहाँ क्या कर लीजिएगा, पूर्व परंपरागत। कौन नहीं समझे, कौन नहीं समझे बताइए, सब समझ गए, वाह धन्य है। स्वामी विवेकानंद डॉक्टर राजेंद्र बाबू होते तो फिर लजा जाते, कितने तेजस्वी हैं। देखिएगा बताइएगा, प्याजे के समय विकास के परिकल्पित निगमनात्मक क्या आ गया, निगमनात्मक किसमें जाता है, यानी औपचारिक अमूर्त जिसे कहते हैं, और कहता आगमनात्मक, आगमन विधि उदाहरण से नियम, और निगमन विधि नियम से उदाहरण। चौथी अवस्था की उम्र बड़ी होती है, इसलिए खेल प्रमेय त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री बना लेते हैं नियमों से, चौथी अवस्था में जाता है अमूर्त।
वरना अभी हमने नोट्स तो दिखाया था ना, स्पष्ट लिखा था, वहां से भी देख सकते हैं। अगला देखिएगा, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके बारे में? सामाजिक संदर्भ दिया, इधर है भाई, उसके डी नंबर होगा, बताइए कर्ण भाई। त्याज्य के संज्ञानात्मक दे रहा है, निहितार्थ अर्थ निकालते हुए, एक ग्रेड 6-8 के शिक्षक यानी उच्च प्राथमिक, हेलो उच्च प्राथमिक के शिक्षक अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, क्या मारना चाहिए, क्या पीटना चाहिए, क्या पिछले बेंच पर खड़ा करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली लाना चाहिए, कैसा गतिविधि करके सिखाना चाहिए, कैसा संदर्भ से जोड़ते हुए लर्निंग बाय डूइंग करवाना चाहिए, खोजी बनाना चाहिए, अन्य खोजी इधर केवल निर्धारित पाठ्यक्रम, गलत बात है, तार्किक बहस के प्रयोग से हतोत्साहित, क्या कह रहा है, हतोत्साहित जहां मिलेगा क्या कहिएगा, निगेटिव, क्या कहिएगा, बच्चे को डिमोरलाइज कीजिएगा जी, हतोत्साहित क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित, क्या चाहिए, प्रोत्साहित, यह निगेटिव वर्ड है ना, डिस्करेज, क्या डिस्करेज कीजिएगा, क्या बहुत सारे प्रश्न ऑनलाइन में सॉल्व हो जाएंगे इससे, हतोत्साहित गलत ना है, कथा ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधार समाधान की आवश्यकता होती है, यानी तर्क वितर्क करेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, सृजनात्मक, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग, केवल मूर्त चीज का प्रयोग, मूर्त अमूर्त तब फिर कैसे विकसित होगा, अमूर्त मतलब खोपड़िया में जो सोचते हैं, और मूर्त मतलब ये जो चीजें हैं ये सब मूर्त हैं जिसको छू सकते हैं देख सकते हैं, केवल मूर्त करवाइएगा, केवल खाली केवल ये बात मत बोलिएगा, वरना ऑनलाइन में दिखा दूंगा आपको एक दो गो तीन गो प्रश्न केवल वाला भी उत्तर है, लेकिन उसको घुमा दिया गया है, इसलिए मैं ये बातें नहीं बोलता। हमारा YouTube वीडियो भी प्लेलिस्ट में टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड निगेटिव आपको मिल जाएगा, कुछ लोग कहते भी थे ये चीजें, 2018 से बस सीटेट का ही अध्ययन कर रहा हूँ और देखता हूँ, आप एक दिन बैठते होंगे हम रूपा लेकर के लोगों को मार्गदर्शन भी देते हैं, कंसल्टेंसी कौशल, हाँ आपने नहीं सुना, ठीक है ठीक वाले चले देखिएगा, तर्क आधारित तर्क आधारित कीजिएगा ना, और समस्या समाधान, समस्या वगैरह बच्चे समाधान करेंगे, सृजनात्मकता आएगी, सी नंबर मानते हैं, पूछिए ए बी और डी पूछिए क्यों नहीं होगा, आगे बढ़ो, बस कुछ नहीं 10 प्रश्न और देखिए बस, निम्नलिखित में क्या ज्ञान सार्थक संरचना, एक महत्वपूर्ण यानी ज्ञान का सार्थक निर्माण होगा, संरचना होगा, कैसा सार्थक बोले तो मीनिंगफुल, कैसा मीनिंगफुल, रटंत विद्या वाला नहीं, उद्दीपन प्रतिक्रिया सामाजिक पारक हो जाएगा आपका, सामाजिक सांस्कृतिक अंतरक्रिया, आप एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, एक छोटा बच्चा विद्यालय आने से पहले दादी नानी के गोद में लेट करके राजा फिर क्या पानी कहाँ से आता है मम्मा, मम्मा आदमी मर के कहाँ जाओ मम्मा, चिंतन नन्हे अन्वेषक की बात है ना, बाजार मम्मा पापा अभी तक क्यों नहीं आए मम्मा, ये वर्षा कैसे होता है, ज्ञान की सार्थक रचना एक दूसरे से परस्पर क्रिया, अंतः क्रिया, अंतः संबंध क्रिया, पारस्परिक क्रिया, बी नंबर लॉरेंस को हल्बर्ट दे दिया, किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, बेटा होमवर्क पूरा कर लो बेटा जल्दी कर, मारेंगे कोनों के जड़े हिला देंगे, क्योंकि दूसरे इसे आहा दूसरे इसे, वाह बेटा बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, ओ हो रही है 3 बजे से पढ़ता था मेरा लल्ट उस बार, आहा दूसरे हमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहें, दूसरों के अनुसार हम कार्य करते हैं, शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया, तो वर्मा जी भी अपने बेटे को उदाहरण देते हैं, हाँ कहीं का देख शर्मा जी का बेटा देख 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 शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया, मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, वैसा उदाहरण देते हैं,
इनमें से जो बार मार कर बेटा को देखो, मेरी गोदनी का बेटा देखो देखो 99% नंबर लाया है। तुम घबराते अपने बेटे को घबराते तुमको समझ में बात नहीं आती है 95 नंबर लाए वो मात्र कितना 99 क्यों नहीं लाया। हम समाज के लोगों का उदाहरण दे दे करके स्वीकृति प्रदान करवाते हैं, अपने अनुसार ढालते हैं और हम भी बच्चे उनके अनुसार बनना चाहते हैं। क्या आपके बच्चे आपके अनुसार नहीं बनना चाहते हैं ताकि मम्मी पापा हमें रोज या नए दें? हाँ होता है ऐसा। तो दूसरों की स्वीकृति, दूसरों का अनुमोदन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और यह होता है कन्वेंशनल। क्या होता है? और देखिए हिंदी में समझ में आया क्या? इंग्लिश पढ़ाया है मैंने, यही दिन के लिए पढ़ाया, फिर भी कुछ लोग कहें सर फंस गए। महाराज आप तो अगलों को फंसा रहे हैं, अगले की ऊर्जा भी बर्बाद हो जाएगा। उत्तर दोस्त समझ में आई बातें? एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख, छात्र क्या कर रहा है? संघर्ष, यानी छात्र खुद से हिसाब नहीं बना पा रहा है, तो शिक्षक ने क्या दे दिया? संकेत एवं इसके फंडिंग हो गया? हो गया इसके फंडिंग? कुछ लेके गए आज मुझे पता नहीं, लेकिन 5 से 6 प्रश्न आज ऑनलाइन में आने वाले आपने ले लिए हैं, समय बर्बाद न समझिए। कुछ नहीं, हमने दिखलाया केवल पासवर्ड। और आइए कहाँ है, कहता है अर्थहीन। हेलो, आप सीखना कैसा पसंद करेंगे, अर्थपूर्ण या अर्थहीन? मीनिंगलेस, गलत कर दीजिए। कहता है निकास प्रवृत्ति पैदा छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित, निष्प्रेरित मतलब कि डिसकवरेज, नहीं देख लीजिए ना अंग्रेजी में डीमोटिवेट, क्या डीमोटिवेट कीजिएगा? पार या घर, पार निर्माण, ढांचा निर्माण, इसके अफोर्ड कहां पल्लू जा रहे हैं? आगे बढ़े, जिन पैदे के समय में पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष बोलिए, अनुत्क्रमणीयता, अपलटावी, असंरक्षण, असंरक्षण, गिनती थोड़ी थोड़ी शुरू, पूरा विकसित नहीं, विश्वसनीय खेल, मूल क्रियाओं पर आधारित उधर चला जाएगा, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, परिकल्पित, निगमन किसमें? 4th में जाएगा, संरक्षण 3 वाले में जाएगा, मूर्त वाले में, अमूर्त 4 वाले में जाएगा, विचार या सोच में क्या? केंद्रीयता, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन बताया है हमने, और विकेंद्रण 3 अवस्था में, सेंट्रेशन केंद्रीकरण, हमारा उत्तर क्या हो गया यहाँ पर? सेंट्रेशन, बताइए कौन नहीं समझे? सेंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन, बच्चा किसी एक पक्ष को देखता है केवल। 2 कलम दे दीजिएगा ना, दोनों बराबर है, दोनों का साइज इक्वल है, पूछेगा कौन बड़ा है नूनू रे, तो बोलेगा ये, क्योंकि ये उठा हुआ है, एक सेंटर को देखने का भाव, पूर्व संक्रियात्मक। लेव वाइगोत्स की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स की आ गया ना उपकरण, सांस्कृतिक उपकरण क्या? समाज में बनाए हुए नियम कायदे कानून धर्म रीति रिवाज, ये सभी क्या टूल्स है? हाँ, सांस्कृतिक उपकरण, बाकी और क्या कुछ है? बाकी और वाइगोत्स्की के अनुसार तीनों में से कुछ भी? सी नंबर उत्तर। जीन प्याजे आ गया, संज्ञानात्मक संरचना, ये नहीं विकास समीपस्थ विकास वाइगोत्स्की, 2 नंबर उत्तर, बी नंबर उत्तर, स्कीमा, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन हाउस ऑफ, इसी को मनोबंध भी कहते हैं, क्या कहते हैं स्कीमा को? लेकिन आप टेंशन क्यों लेते हैं, हमने स्कीम बता दिया इसीलिए बताया इंग्लिश के साथ, मनोबंध फनोबंध में मत पड़िए। देखिएगा कौन सा उदाहरण, विद्यार्थी अधिगम के लिए मोटिवेट, अभिप्रेरित,
अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप खुद सोचिए, आप अपन लट्टुसबा को, लट्टुसनी को, ननकी को कैसे बेजोर से पढ़ाइएगा। कौन सा बहुत सरल हो, एक बात बताइए, हल्का काम दीजिएगा, भारी कौन सिखाएगा? खाली हल्का सिखाइएगा मैडम, इधर इधर, खाली सरल सिखाइएगा। सरल माने सरल का ना, प्रतियोगिता के लिए बहुत अवसर उत्पन्न कराना, बहुत नहीं, मेरी बात सुनिएगा, सीख के जाइए। कभी प्रतियोगिता को उत्तर मत बनाइए, कभी भी प्रतियोगिता को उत्तर, कभी भी कंपटीशन को उत्तर नहीं बनाना है। सर क्यों? कंपटीशन में लोगों का मर्डर तक कर दिया जाता है। एक बच्ची, जैसे जीनियस फिल्म देखा होगा आपने, जीनियस नंबर कितना आ रहा था उसका, 99 100, 100 में 100, लेकिन वो लड़की थी हाँ खचरी चौधरी, हाँ 99 लाती थी बार बार, अंत में उसको 20 तक दे दिया, जहर तक दे दिया। यदि आप में भी आपके विद्यार्थी 3 साल 4 साल से एगो बच्चा उससे टॉपर कर रहा है मात्र एक नंबर से, पॉइंट एक नंबर से, अंत में उसको कट्टा सुपारी तक दे करके हटा देता है अपने रास्ते से। आइए दुर्योधन और भीम देखिए, दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध देखिए, होता था दोनों में दुर्योधन और भीम, कौन था दुर्योधन भीम, कौन था? राम जी का भाई था ना, देखले है रामायण, रामायण रामायण में है, महाभारत में है, महर्षि वेद व्यास पता नहीं कि वाल्मीकि, चलिए तब तो बहुत ही अच्छा जानते। तो दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध जब नहीं जीत पाया, मार करके विष में यमुना में डाल दिया, विष दिया था। यही होता है, जब भी उत्तर लेगा सीटेट, कभी नहीं लेगा प्रतियोगिता, आप भी मत लीजिए, जब भी उत्तर लेगा सीटेट स्वस्थ प्रतियोगिता, बोलिएगा हेल्दी कंपटीशन, बोलिए बोलिए हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बोलिए सभी स्वस्थ प्रतियोगिता, हमेशा उत्तर होगा स्वस्थ का मतलब जहां हार भी जाएं तो हे यू आइए, हे ब्रो वेल डन ब्रो, बहुत अच्छा खेला, दिल में तो आग लगी हुई है फिर भी बधाई दे रहे हैं क्रिकेट में, नहीं बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा शाबाश, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव नहीं होता है जहाँ, लेकिन प्रतियोगिता में होता है ऐसा। 3 क्लास 4 क्लास में क्रिकेट का मैच चला, टीचर खुद भी देखिएगा, अरे मनवा के नहीं दिया सकले स्ट्राइक, वो छक्का मार देता हमारा टीम जीत जाता, भोदू कहीं का फेंकना, कहीं का बेचन, कहीं का नॉमेल बेचना है तुम आदमियों बेचने, हम प्रतियोगिता अपनी सिद्ध करते हैं, वरीयता को होना चाहिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन, जहां हम मन विचार से राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सौहार्द्रता, एकता, अखंडता, बंधुत्वता, भाईचारा का विकास करें, यानी वर्सटाइल डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास, ना कि घून लगल का ईर्ष्या वाला विकास, ईर्ष्या वाला विकास। अभी के बगल में वो गाड़ी कोई कसा तो ले, गाड़ी कल आपने खरीदा था पल्सर, मैं खरीद लिया अपाचे, देखिए कैसे लहंगा चुनरी सड़िया, और मिसेस वर्मा ने खरीद लिया और आपने आज कसा लिया, देखिए उसको बेचारा, लोगों को अपने घर से उतना सुखी नहीं है जितना दूसरों के घर को देख के, दूसरा दुमंजिला पीट लिया, हमारा एक मंजिले रह गया, तो प्रार्थना करते हे भगवान, हे भगवान प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हुए, मांगो मेरे पड़ोसी का ना, मुझे थोड़ा सा जो है ना पेट में छेद दे दो और 10 गुना मेरे पड़ोसी का वही हाल हो जाए, कितना गुना, छेद दे दिया उसको 10 गुना हो गया, मेरा एक पैर टूट जाए और पड़ोसी का, तो बड़े खुशी हैं हम, दूसरों की देखा देखी का माहौल चल पड़ता है, लोग प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में भूल जाते हैं क्या सही क्या अनुचित क्या उचित।
तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमेशा सीटेट उत्तर लेगा। आज तक नहीं देखा मैंने 2011 से कभी प्रतिस्पर्धा को उत्तर बनाते हुए। सीखा आपने? आज के बाद इतना लंबा डायलॉग नहीं दूंगा, ठीक है? डायरेक्ट बोलूंगा प्रतिस्पर्धा नहीं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। ओके जी, प्रतियोगिता बहुत सारे अवसर, अवसर देख करके कौन सी मार दीजिएगा उत्तर? नहीं करना, पाठ उपलब्ध करवाइए। विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख, कुछ नया खुद से सीख रहा है, फंस गया, तो इसके फोल्डिंग दीजिए, प्रभावशाली पद्धति हो जाएगी। सीखने ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर, सीखने से ज्यादा कंप्लीट कर होमवर्क। सर समझ नहीं पा रहे, कंप्लीट कर होमवर्क, कार्य पूरा करो, तुम सीखो या ना सीखो मुझे कोई फर्क। सीखने से ज्यादा, सीखने से काम कंप्लीट करने पर कोर्स देना, बल देना। क्या अच्छे शिक्षक की पहचान है ये? 20 से 25 मिनट में सबको चीड़ फाड़ के उत्तर बताते जाता, आप सीख ही नहीं पाते, मेरा तो काम पूरा हो जाता। क्या आप अच्छा शिक्षक कहते मुझे? यही विशेषता आपको चुनने के लिए बोला प्रभावशाली। हमारा उत्तर हो गया सी नंबर। आगे बढ़ो। बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप में है, बल्ले ये लीन बताए थे, अलग होता है गुणात्मक, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिवली डिफरेंट। प्याजे किधर है? कोई दिक्कत है क्या? मात्रात्मक क्वांटिटी एक जैसा, यानी बड़े जितना सोच सकते हैं बच्चे भी उतना, मात्रात्मक संख्यात्मक एक जैसा, अमाउंट सेम, काइंड डिफरेंट, अमूर्त संक्रियात्मक। कहां इतना पूरा पढ़ते हैं प्याजे के अनुसार, अरे नजर जाती है प्याजे के अनुसार, हो गया अमूर्त संक्रिया। ओ अमूर्त में हम पढ़ ही लिए, संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता, संख्या श्रृंखला, पैटर्न आदि। नहीं बोल दिया। नहीं तो हम क्या करते हैं ऑनलाइन परीक्षाओं में, संरक्षण, वर्गीकरण, अरे मार उत्तर, अरे नहीं दे दिया, नहीं होता है बच्चा क्या संरक्षण वगैरह का जरा सब कर लेता है, किधर है परिकल्पित निगमनात्मक, चौथी अवस्था की बातें हैं, और अमूर्त संक्रियात्मक दे दिया है, और तीसरी में ये निगमनात्मक होता है अमूर्त में, होता है ना? मार दीजिए सी नंबर। कोई दिक्कत है क्या सी नंबर? तीसरा अवस्था बोलता तो आगमनात्मक मारते, हाइपोथेटिकल इंडक्टिव ऑर्डर, यहां पर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव ऑर्डर है। कैसा? डिडक्टिव। लॉरेंस कोहलबर्ग, व्यक्ति विकास में जब विश्वास करते हैं तो वर्तमान सामाजिक प्रणाली, हेलो हेलो हेलो, वर्तमान सामाजिक प्रणाली यानी अभी का जो सिस्टम है, नियम कायदे कानून है, रूल रेगुलेशन है, सामाजिक प्रणाली सक्रियता पूर्वक बनाए रखना, क्या सक्रियता, दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना है नियम कायदे कानून, नहीं बदला जाएगा, एकदम नहीं बदलना है। धनात्मक संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, जिससे कि अराजकता नहीं फैलती है, सुरक्षित रहता है। पता नहीं आपने क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार, क्या कह रहा है? वर्तमान सामाजिक जो नियम है, प्रणाली है, सिस्टम है, सक्रियता पूर्वक बनाए रखिए, यानी कि नियम को नहीं बदलिए, नहीं नियम बनाए रखिए। किसको डाउट है? हमको तीन नंबर सिलेक्टिव सिद्धांत है ना सर, कि आपको है कहाँ दर्द है बताइए? सार्वभौमिक सिद्धांत है ना, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक में नियम बदलता है, सार्वभौमिक में नियम बदलता है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है? सक्रियता पूर्वक बनाए रखना, सक्रियता पूर्वक। सार्वभौमिक में हम अपने स्वविवेक से बदलते हैं नियम को, बात इतना है। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि बदलते हैं? नहीं ना है, तो सार्वभौमिक या सामाजिक की तो बात ही ना करें, बात करेंगे तो सामाजिक क्रम व्यवस्था नहीं समझे, तो लॉ एंड ऑर्डर खोलना है किधर, और नहीं तो सोशियल ऑर्डर मेंटेनिंग, सोशियल ऑर्डर। अब किसको तकलीफ है? कटियोटा, बुचीटा, नटीटा, कटकटीटा, कटियोटा दर्द है,
डराद बोलते हैं, दिक्कत तकलीफ क्वेश्चन समझने में, तो बताइए बताइए, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, कोई भी एक भी व्यक्ति जल्दी। जी सर, देखिएगा, पढ़िए पूरा क्वेश्चन पढ़िए तो सर, आप पढ़िए, क्या क्या पढ़िए सर, कृपया पढ़िए। किस अवस्था, किस स्टेज में? फकैती बात लगा इतना दूर तक, मैंने स्किप कर बोलिए। हाँ सर, प्रवचन है इतना दूर तक। लॉरेंस देखना क्या था क्वेश्चन में, कोहलगर का प्रश्न है, दिमाग में किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है, कौन? जब बालक विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है? क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू हुआ, पढ़िए ना सर, पढ़िए ना, यहाँ से क्वेश्चन है, बोलिएगा। सामाजिक प्रणाली, वर्तमान सामाजिक प्रणाली, देखिएगा, करेंट सोशल सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो समाज में, वर्तमान का मतलब अभी, बोलिए, अभी जो समाज में नियम कानून है, प्रणाली है, बोलिए। नहीं सर जी नहीं, कृपया बोलिए, कृपया बोलिए, कृपया बोलिए, आप मेरे भगवान हैं, बोलिए। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, अभी जो नियम प्रणाली है उसको हम वर्तमान कहेंगे, उसको सक्रियता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना, क्या करना? एक्टिवली मेंटेन करना, एक्टिवली, इसी को मेंटेनिंग ऑर्डर, यानी नियम नहीं बदलना, दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना। और वो भी क्यों? क्योंकि संबंध सामाजिक वाला और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहे। चोरी चकारी कोई भी करेगा तो उसके लिए नियम है, धारा है 376 केस रेपिस्ट के लिए, 302 हाफ मर्डर, 307 पूरा मर्डर, 307 हाफ मर्डर, 302 पूरा, नहीं, ये सब क्या है? नियम प्रणाली। और तभी मनुष्य क्या है? नियम नहीं बदले जाएंगे, किधर जाइएगा? कानून एवं क्रम या सामाजिक क्रम व्यवस्था। क्या तकलीफ, किनको तकलीफ, बताइए बताइए, आइए आ जाइए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, बोलिए। बाबा 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 बाबा, अरे पूछिए जल्दी से, बुझा गया? आरो बुझाएगा, अच्छा से बुझाएगा, एकदम ऐसा बुझाएगा कि चूल्ही बुता जाएगा, रोटी बन जाएगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ वाला क्या है? अब क्वेश्चन में सर, निकटस्थ विकास सर, जो न प्रॉक्सिमल, अच्छा क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या खोजना पंची है, हमर प्रयास और बाबू मैयो मास्टर वा सिखल के हो प्रयास, ये दो चीज मिल जाए, यानी निजी प्रयास और समवयस्की सहयोग, दो गो क्वेश्चन में ढूंढिए कहां है, किस विकल्प में वही उत्तर हो जाए। फिर भी वर्तमान स्तर, आप जो खुद से कर पा रहे हैं, वर्तमान स्तर का मतलब क्या हुआ? आप जो खुद से कर पा रहे हैं, स्वतंत्र प्रदर्शन, यानी खुद से, क्या और किसके मदद से? खुद का। सुनील सर, सिंटू बाबू बताइएगा, हाँ ये मेरा खुद का एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, ये समवयस्कों का यानी पीडीएल पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, उदाहरण बताया था, 1.5 साल 2 साल का बच्चा कलम उलम उठाएगा, गीताजी कलम पकड़ना खुद से सीखा, कैसे सीखा? स्वतंत्र रूप में सीखा, हेलो एक्सक्यूज मी, हम देखा हूँ सीबीएसई बोर्ड वाली में खास तौर पे कोची होता है, जब गिरगिटिया देखेगा और जब देखेगा ढेर भीड़ है, अरे बहन जी बगल से जो नगे बिहार बोर्ड वाली करते भाई साहब, अरे हट ना कनक राजो, वो कोने में सुताइए देंगे, छापिए देंगे, बिहार का नक्शे बन जाएगा। हाँ अकेला रूम में कभी गिरगिट उसको दिखाई देगा सीबीएसई वाली को? कभी गरजती है? जब रहेगा 4-5 गो ना, तब फिर देखिए, आई एम सो छुई मुई। आप लोग बिहार बोर्ड हैं, और दूसरा ये कुछ लोग हैं जो सीबीएसई बोर्ड वाले 90% मतलब छोड़कर 10% वाला जो दिखाती हैं, आप लोग तो देवी है। प्रणाम, और आप लोग भी, हाँ नमस्ते।
तो कहने का मतलब है आपने देखा चीजें हम बहुत कुछ खुद से सीखते हैं, जैसे कि जागी जी शुरुआत में, फिर पापा मम्मी यानी कि पीडीएल पोटेंशियल हाथ पकड़ा करके हमें के बोले प्राची, मेरा नाम देवरा यमराज है, प्राची नहीं है। अच्छा क्या चीज बोले, फोन पे हो। हाँ तो इससे हमने बेहतर खुद से ओआ बनाना सीख लिया। तो जब हमने खुद से देख लिया, इन दोनों के अंतर से जो चीज सीख लिया वही चीज तो है स्वतंत्र प्रयास और व्यस्कों का प्रयास। इससे कौशल वाले की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित यानी अर्जित कर लिया क्या मैंने, खुद का प्रदर्शन। इस क्षेत्र को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और इसके फोल्डिंग दूसरों का प्रयास, दूसरों का मदद ढूंढिएगा और वो अस्थाई होता है। इसके फोल्डिंग अजेडपीडी अस्थाई। निम्नलिखित के दिनों में आप किससे सहमत हैं? किससे सहमत हैं बताइए तो तनिको। तू केकरा से सटिस्फाइड हो? यह हो तो अधिगम पूर्ण रूप से बाही है। अच्छा अंदर से सोचते हैं, खाली बाहरे से ज्ञान ले लेते हैं, मास्टर से दोसर से पप्पा मम्मी से। अपन नॉलेज आंतरिक होता है ज्ञान, और बाह्य भी, बाह्य नहीं होता है, बाहरी और आंतरिक दोनों गतिविधि से सीखते हैं ना। यहाँ क्या कह रहा है, बाह्य केवल पूर्ण रूप से उद्दीपन द्वारा। गलत। अब मैं जिनसे पूछूंगा उन्हीं से, अधिगम तब तक घटित नहीं होता जब तक कि इसका अंगों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं, यानी कि बाह्य रूप में ही होना चाहिए। बाह्य रूप से आकलन जब तक परीक्षा नहीं लेंगे ना, आकलन असेसमेंट तब तक नहीं होगा अधिगम। अधिगम का मतलब लर्निंग, कुछ नहीं सीखिएगा। सही की अंकों के रूप में 78% 79% 493 नंबर लाया तुमने, जब तक ये सब नहीं कीजिएगा ना तब तक बच्चे में अधिगम नहीं होगा। तब तक अधिगम बच्चे में सही बात है, अधिगम के लिए कभी अधिगम केवल लर्निंग केवल तभी होता है। लर्निंग हैज टेकन प्लेस ओनली इफ इट इज एविडेंट, जब सबूत हो, साक्षी हो। क्या हो? साक्षी है, सबूत इन बिहेवियर, जब व्यवहार में स्पष्ट होता है तभी अधिगम होता है। चलिए बताइए प्याजे के बारे में बताइए, उठिए जल्दी उठिए, उठिए तो यार। हाँ प्याजे के बारे में, प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के, अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के, कहाँ के? इनका व्यवहार आपने देखा, तो जब तक आप देखिएगा ना तब भी अधिगम होगा। यानी व्यवहार में जब स्पष्ट दिखे, व्यवहार में जब, तभी अधिगम होगा, नहीं तो क्या वो बैठे हुए थे, बैठिए तब तक नहीं उनके दिमाग में कुछ अधिगम चल रहा था, तब तक चल रहा था कि नहीं। कहता है अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में प्रकट होता है, स्पष्ट होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में, वातावरण में, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो कर दीजिए शेयर। अरे जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम हो गया, जय हिंद। और कर दीजिए ललकी बटनिया के लरठी चॉपिंग। अच्छा लगे तो न तो भोरपेट गड़िया भी सकते हैं, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। दोस्त निवेदन हाथ जोड़ के, बाकी आपकी मर्जी, आप भी अपने महल में, मैं भी अपनी झोपड़ी में। जय हिंद।